हाल चाल, आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई लास्ट एपिसोड में हमारी सारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी है। ट्रेवर की फैमिली ने कभी भाई ट्रेवर के पापा को मारा नहीं था। अगर आप लोग लास्ट एपिसोड चेकआउट नहीं किया भाई, जाकर कुछ चेकआउट कर लीजिए। फिलहाल उसमें पूरी की पूरी कहानी सोल्व हो चुकी है हमारी फैमिली की, और मेन उस बंदे की जिसने ट्रेवर के पापा का दी एंड किया था। फाइनली हमने उसका दी एंड कर दिया, अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल भाई उस बात को 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, अभी लाइफ बड़ी इजी चल रही है और मैंने सारे सारे काम को संभाल लिया है, जैसे कि अपने काम जैसे पहले चल रहे थे, अपनी बिल्डिंग के ऊपर काम चलना। आपको बताया बिल्डिंग इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो इसलिए उस पर काम दोबारा कंटिन्यू हो चुका है। उसके अलावा मैंने एक और प्रॉपर्टी खरीदी है भाई, उसके ऊपर भी काम चलने में लगा हुआ है। वहां पर भी एक बिल्डिंग मैं और बना रहा हूँ, वो बिल्डिंग ना तो शहर में है और ना डेजर्ट में आप उसको बोल सकते। वो बिल्डिंग थोड़ा बीच में पड़ती है शहर के, काफी अच्छे एरिया है, मेरे को लगता है वहां पे थोड़ा वेयर हाउस टाइप की चीज बनानी चाहिए ताकि वहां पर हमारी गैंग आराम से मजे ले सके। एक वो चीज और भाई, बाकी और भी बहुत सारी चीजें चल रही है पूरी। अभी मैं देखो मैंने मिलिट्री से काम लेना देना और बंद कर दिया, मिलिट्री का मेरा कुछ पंगा नहीं है और ना ही मिलिट्री का मैं हेल्प करता और ना उनकी बातें ज्यादा सुनता, क्योंकि आपको बताया धोखेबाज बंदे हैं, इसलिए वो एक अलग चीज है। मेरी गैंगस्टर लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, पैसा काफी आ चुका है, जो हमने भाई $100 ट्रिलियन की खुदाई करवाई थी वो भी धीरे धीरे निकलने शुरू हो रहे हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन सही थी भाई, बंदों ने वहीं पर पैसे दबा करके रखे हैं। देखा जाए सब कुछ परफेक्ट लाइन पर आ चुका है, अब अपने फ्यूचर प्लान्स के ऊपर ध्यान देते हैं, जो जो हमें करना था भाई। क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे विलन्स मेरे दोस्त बन चुके हैं, जो नहीं बने उनको नेता बना डालेंगे। रही बात लेस्टर की, वो अभी भी गैरेज में ही बंद है क्योंकि वो ठीक नहीं हो पाया, उसकी मेमोरी अभी भी ऐसी की ऐसी है, उसके पापा ने अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा। कोई बात नहीं, उसका भी हम इलाज कर लेंगे। तो चलिए भाई गेम को फटाफट शुरू करते हैं, क्योंकि मैं अपने प्यारे दोनों भाइयों घर पर लेकर के आ चुका हूँ, रोकी डोगी मुझे घूरे जा रहे हैं। शुरू करते हैं भाई अपना गेम। भाई शुरू हो चुका है, देख रहे हो रोकी एंड डोगी दोनों नमूने। और भाई डोगी काफी दिन से बंकर में था, कोई दिक्कत नहीं है, अब से तुम्हें मैं अपने साथ में रखा करूंगा। देखिए यार तुम्हें पता है काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती रहती है ड्राइवर के पास में, इसलिए तुम लोग ना एडजस्ट कर लिया करो यार। देखो अभी आगे भी कोई भी नहीं, तुम्हारी मोम भी छोड़ के चली गई ड्राइवर को, तुम दोनों ही हो, अगर तुम भी चले जाओ तो काम खराब हो जाएगा। एक तो इतना क्यूट है यार, मतलब ऐसा मन करता है इनको देखते रहो, जब मुंह खोल के देखते हैं कमाल लगते हैं। तो अच्छी बात क्या है, तुम दोनों आराम से घर पे घूमो, आओ थोड़ा सा मेरे साथ घूम लो, फिर मेरे को निकलना है। मेरे को आपको भाई जगह दिखानी है, जैसे बिल्डिंग दिखानी है और भी बहुत सारे काम मेरे चल के रखे। आपको सिटी हॉल भी मेरा ही है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी देखो मेरी हो चुकी है और बहुत सारी मुझे लेनी है। मेरा तो भाई यही एक एम है कि मैं पूरा पूरा लॉस सैंटोस की हर एक जगह खरीद डालूं, जिससे क्या होगा पूरा लॉस सैंटोस ऑटोमेटिक मेरा हो जाएगा। जब सारी प्रॉपर्टीज मेरी होगी तो लॉस सैंटोस मेरा हो गया। बट देखो कुछ प्रॉपर्टी हम आराम से ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते, जैसे कि बहुत सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है जो गवर्नमेंट नखरे करती है देने के लिए। बट कोई दिक्कत नहीं है, उनका सोल्यूशन मैं निकाल लूंगा, सब कुछ सही हो जाएगा। एक सेकंड में तो गाड़ी में बैठ के चल दिए बातें करके। फिलहाल अरे भाई देखो गाड़ी में तुम्हें नहीं जाना, आओ तुम्हें सिर्फ घर पर ही घुमाना है। कभी ये सोचे कि ट्रेवर हमें गाड़ी में लेकर के जा रहा है, इनको भी लेके जाऊंगा, बट फिर कभी यार, आज नहीं, क्योंकि आज बहुत सारे काम करने हैं। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, घूम लो। ये दोनों सुस्त हो गए यार, इनको ट्रेनिंग देने के लिए दोबारा से बुलाना पड़ेगा। हमारे प्यारे भाई गोलू मोलू को आएंगे, इनका ख्याल रखेंगे। काफी दिन डगन के पास घूम लिया उन बंदों ने। चलिए फटाफट से एक काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा घुमाता हूँ और घर से निकलता हूँ जल्दी से। ड्राइवर छोड़ दे मुझे, अगर प्रिंस भाई को पता चल गया तेरे को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे छोड़ दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इतने दिन से तूने मुझे बांध के रखा है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे पता नहीं मेरा नाम लेनी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक बार मेरे हाथ खुल जाने दे। आप लोगों ने भाई लेस्टर की बातें सुनी ली है, लेस्टर के सस्ते नशे, मतलब क्या ही बोलूं, बेचारा अभी तक ये समझ रहा है प्रिंस जिंदा है और मैंने इससे झूठ बोला कि प्रिंस अभी भी नहीं मरा और इसको मतलब बचाने के लिए वो आने वाला है। इसको यही भाई लगता है पूरा का पूरा कि मैंने झूठ बोला मारने का। इसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि प्रिंस आकर के बचा लेगा। कैसे बचाएगा यार लेस्टर, एक बार वो चला गया और वो बड़ी स्पेशल तरीके से उसको मारा गया था, धमकी दे रहा था मेरे को आर्मी बुलाएगा ये करेगा, मैंने भी ऐसे से बंदे दिखा डाले, उसको जाने से पहले डर गया होगा बेचारा बहुत ज्यादा। पॉइंट ऐसी है मेरे भाई लेस्टर, जब तक तू इज्जत से बात नहीं मानेगा मेरी, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मैं इसको 15 दिन से एक ऑफर दे रहा हूँ, दोबारा से बोलने आता हूँ, मैं रोज इसको एक बात बोलता हूँ आकर के, देख भाई लेस्टर मतलब लेनी जो कोई भी तू है, देख तेरा बॉस वो मर गया, तू उसके लिए काम कर रहा था ना, अब जब तू उसके लिए काम कर सकता है तो तू लेस्टर मतलब ट्रेवर के लिए काम क्यों नहीं कर रहा, मेरी टीम में आ जा, हैकिंग कर। देखो भाई फिलहाल इसके अंदर भी मेमोरी नहीं है, एक बात और समझ में मेरे को ये नहीं आती, इसकी मेमोरी यार आधी काम करती है, इसको ये पता है मैं हैक करूं और मेरे दोस्ती भूल गया, मतलब काम की चीज़ भूल गया, फालतू चीज़ें याद है, बट हैकिंग भी काम की चीज़ है, वो ये नहीं भूला और ये नहीं भूला कि एक हैकर है। कमाल है यार, ये टेस्टर जी की मेमोरी जाने का तरीका देख रहे हो। हेलो मेरे प्यारे भाई, देख लेनी तू हैकर है, बहुत अच्छा, मेरे को हैकर की जरूरत है, प्लीज़ देख मेरा ऑफर ले ले, हमेशा तो खुश रहेगा, इसलिए मैं दोबारा पूछता हूँ कि तू मेरी टीम में आएगा, मेरे लिए हैकिंग करेगा। ये बहुत जिद्दी हो गया रखा है भाई, बोल रहा है ट्रेवर मर जाऊंगा बट तेरे साथ कभी काम नहीं करूंगा, तूने धोखा दिया ये किया वगैरह वगैरह।
मैंने कभी इसको धोखा दे दिया भाई, इसके सस्ते नशे ना पूरे होते ही नहीं है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी ट्रैक पे आ जाएगा। चलिए अपनी बिल्डिंग पर निकलता हूँ और देखते हैं कुछ प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है। वैसे तो अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है, बट फिर भी जा करके ट्राई तो कर ही लेते हैं। मैं अपनी प्यारी सी बिल्डिंग पर पहुंच चुका हूँ भाई। अमेजिंग है यार, The Mile High Club, इसका तो मतलब जवाब ही नहीं है। लो स्टैंडर्ड में सही बिल्डिंग्स को पीछे छोड़ दिया मेरी बिल्डिंग ने। ओके भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है ना। अगर कोई बंदा चालाकी करने की कोशिश करे या कुछ भी करने की कोशिश करे मेरे को बता देना, मैं बनाऊंगा उसको नीता। क्योंकि इस बिल्डिंग के लिए मैंने बहुत पैसा खर्च किया है, ऊपर से बंदों से पैसे लिए वगैरह वगैरह। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, अब ये जो $100 ट्रिलियन मेरे धीरे धीरे निकल रहे हैं ना जमीन में से, ये मेरे सारे सारे भाई कर्जे में चले जाएंगे और जेब में मतलब कुछ नहीं आने वाला। बताए वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसे मेकर से लिए थे, कुछ डगन से, कुछ पिग माफे से, सबसे ऐसे पैसे ले लेके मैंने $100 ट्रिलियन इकट्ठा किए थे। तो भाई देखो, ट्रेवर कभी किसी का पैसा नकता, चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो, इसलिए वो सारा पैसा मेरे को वापस देना पड़ेगा। इसलिए जो पैसा निकलेगा वो सारा वेस्ट चला जाएगा। बाकी गोल्ड वगैरह तो है बट कैश इतना ज्यादा मेरे पे नहीं है, आपको पता ही है। और कैश अभी आजकल देखो पता है इसलिए भी नहीं होता क्योंकि अब मैं चोरी नहीं करता। आजकल ट्रेवर रोबरीज कम करता है बहुत, नहीं तो पहले तो हर तीसरे दिन हम बैंक की चोरी किया करते थे, बट अब हमने वो बंद कर दिया। अब हम अगर चोरी करते भी है तो स्पेशल चीज़ें चुराते हैं, जैसे कोई एंटिक चीज़ हो गई, कोई स्टैचू हो गया, अब हम ऐसे ऐसी चीज़ें चुराते हैं, कोई ज़्यादा पुरानी चीज़ मतलब ऐसी चीज़ हम नहीं चुरा रहे, मतलब पैसा वगैरह। और ऊपर से भाई अभी एक चीज़ और मेरे को शायद से यूज़ में लेकर के आना चाहिए। आपको याद है बहुत टाइम पहले मेरे को इजिप्ट के गोल्ड मिले थे, मतलब इजिप्ट के गोल्ड्स मिले थे बहुत सारे, जो पानी के नीचे लेकर के आया था, उनको भी तो मैंने यूज़ में नहीं लिया ना आज तक। देखना है भाई उनके अंदर क्या क्या पावर्स मिलेगी। फिलहाल वो गैरेज में ऐसे रखे हुए हैं, उनके ऊपर भी रिसर्च करवानी शुरू करूंगा टेस्टर जी को बोल करके। तो ठीक है भाई, चलो फटाफट से तुम काम करवाओ। तो लाल भाई मैं पहुंच चुका हूँ हमारे उसी जगह पर। तो मैं इस सीरीज के बारे में भाई आपको बता दूँ, ये जो सीरीज है ना अनस्टॉपेबल, ये एक अमेजिंग सीरीज होने वाली है। इसलिए कोशिश कीजिएगा इसके पार्ट्स को मिस ना करें, क्योंकि भाई इसमें जो चीज़ें होंगी वो अच्छी लगेगी आपको देखने में और काफ़ी अलग भी होगी अपनी बार। तो फिलहाल चलिए मैं जगह पर पहुंच गया हूं। तो हमारे प्यारे बहुत से यहां पर वर्कर काम ऑलरेडी कर रहे हैं, ये पहले वही ज़मीन को बराबर करेंगे, इसके बाद यहां पे कुछ बनाएंगे। देखते हैं भाई, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया बनना क्या है। अगर आपको कुछ अलग चीज़ बनवानी हो बिल्डिंग के अलावा, जैसे भाई वहां पर तो हमने बिल्डिंग बनवा दी है, यहां पर कुछ और देखना चाहते हो तो बता देना कॉमेंट्स करके। तो देखते हैं भाई क्या क्या बताओगे। पॉइंट क्या है, देखो चीज़ पहले मैं आपको जगह पूरी दिखा देता हूँ, उसके हिसाब से आप कमेंट करना, क्योंकि ऐसे ही नहीं कि भाई कुछ ही बटा डालो। पहले जगह देख लो, पूरी जगह को अपने दिमाग में डाल लो, उसके बाद देखना यहाँ पे क्या बनना अच्छा रह सकता है, नहीं तो फिर कुछ और जो मैंने सोचा है फिर वही बनवा देंगे बेस वगैरह चीज़। मैं फिलहाल भाई क्रेन के पास पहुँच चुका हूँ। तो आप ऊपर से देख रहे हो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है भाई, ये पूरी की पूरी जो आप देख रहे हो ये पूरी मेरी ही प्रॉपर्टी है, जो मैंने $140 मिलियन में खरीदी है। अब बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखो बेस भी बन सकता है, बनने के बाद कुछ भी बन सकता है। और एरिया देख लीजिए, सामने मेरा एयरपोर्ट हो गया और इस सबसे शहर शुरुआत हो जाती है। मतलब देखा जाए तो शहर के तुरंत एंड होते ही ये चीज़ पड़ती है और डेजर्ट शुरू नहीं होता। तो पॉइंट क्या है, जगह भी अच्छी है, अब तो मेरी भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो अच्छा है वो बना डालेंगे। फिलहाल आप बता सकते हो। तो चलिए चलिए भाई मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, मैंने आपको ये जगह भी दिखा दी है। ड्राइवर सर प्लीज मेरे साथ आ जाइए, ड्राइवर सर मैं बहुत परेशान हूँ, ड्राइवर सर मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं ऊपर से कूद जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा अगर आप मेरे पास नहीं आए तो मैं जहर खा लूंगा। ड्राइवर सर मेरी उम्मीद टूट चुकी है बिल्कुल, मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त, प्लीज ड्राइवर सर आ जाइए, नहीं तो मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगा, जल्दी आ जाइए ड्राइवर सर। मेरे पास फोन आया टेरी का, कैसी कैसी बातें कर रहा है आलतू फालतू, इसका दिमाग खराब हो गया हैकिंग कर करके। ये मेरे दोस्त को पता नहीं क्या हो क्या जाता है कभी भी भाई, इसका फोन आया रैंडम जगह पे मेरे को बुला रहा है। फिलहाल अपने बेस पर नहीं है, कहीं पर नहीं है, मानता हूँ उसे घर पे आग लग गई थी बहुत टाइम पहले। टेरी को मैंने बचवा लिया था भाई लास्ट एपिसोड में भी, आपको याद ही होगा, बिग माफे को भेज करके, नहीं तो इसको भी किडनैप कर लिया गया था ब्लास्ट करके। पॉइंट क्या है, वापस आ चुका था, अब पता नहीं इसको हुआ क्या है। वैसे काफी दिन से अपसेट चल रहा है, तो मैं भी देख रहा हूँ वो क्यों चल रहा है, पता लग जाएगा, जल्दी निकलता हूँ। मैं पहुंच गया हूँ टेरी की जगह पर, ये नमूनों का सरदार, गाड़ी उल्टी पड़ी है यहाँ पे, फैल करके रो रहा है। अबे क्या बदतमीजी कर रहा है, ड्राइवर की गैंग का बंदा और इतना खास बंदा होकर के रो रहा है। टेरी खड़ा हो चुपचाप, बता मेरे को क्या हो गया, किसी ने कुछ बोला गया तेरे को? तेरे भाई का लॉस सेंटो से अगर तू रोएगा तो कैसे काम चलेगा भाई, अपने टीम के बंदे, ये कैसे रो रहा है? अबे क्या हो गया, किसी ने लॉलीपॉप छीन लिया गया तेरा? कमाल करता है, जैसे भाई बच्चे होते हैं ना, बच्चे को टॉफी या लॉलीपॉप वगैरह छीन लेते हैं तो रोने लगते हैं बहुत स्पीड से, ये बिल्कुल ऐसी हरकतें कर रहा है। अबे क्या हो गया भाई बोलना। ड्राइवर भाई मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और उसके पापा ने शादी करने के लिए मना कर दिया, इसलिए बहुत अपसेट हो रहा हूँ, वो उसकी शादी कहीं और पे कराने वाले है, फिलहाल वो भी मुझे पसंद करते हैं। ड्राइवर भाई मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, मैं अपने आप ही इसको सोल्व करना चाह रहा था, बट मैं उसके डैड के ऑफिस में गया उनसे बात करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं गुंडा हूँ, बदमाश हूँ और एक बहुत बड़े टोन के साथ मैं काम भी करता हूँ, इसलिए उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया।
उन्होंने बोला कि वो किसी भिखारी के साथ भी रिश्ता कर देंगे बट मेरे साथ नहीं करेंगे ट्रेवल सर, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज कुछ तो हेल्प कीजिए। उसके पापा ने मुझे वहां से लात मार के भगा दिया और यहाँ पर कुछ बंदों को मेरे पास भेजा और यहाँ पर भी मेरी बहुत पिटाई करवाई ट्रेवल सर, प्लीज प्लीज ट्रेवल सर, नहीं तो मैं मर जाऊँ अगर मेरी शादी नहीं हुई तो। ये तो बड़ा पक्का मजनू बन के बैठा हुआ है मेरे प्यारे भाई, तो टेंशन न ले टेरी, टेंशन न ले। इसकी एक बात मेरे को अजीब लगी बहुत, कुछ और एक्सक्यूज दे देता बट यार देखा जाए एक्सक्यूज भी ठीक ही है, कोई शरीफ पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि भाई उसकी लड़की की शादी एक बदमाश से हो, बट देखो ट्रेवर का स्वैग अलग है। अब हमें दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है भाई, ट्रेवर को अगर ट्रेवर इन बातों को मान के चलेगा तो कौन सा माफिया बनेगा। मेरी टीम का बंदा है भाई, किसी से शादी करना चाहता है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी हेल्प करूँ, क्योंकि भाई टेरी मेरी बहुत हेल्प करता है। टेरी तो टेंशन ले, उसके पापा के पास जा करके बातें मैं करता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ शादी तेरी हो जाएगी, मरने वाली बात मत कर बेवकूफ। तो चलिए फिलहाल भाई जाकर के इसकी शादी वगैरह करवाते हैं, इसके पापा को समझाता हूँ कि देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मानता हूँ ट्रेवर बदमाश है बट कोई टेंशन नहीं है, मैं वादा करता हूँ कि टेरी गलत काम कभी नहीं करता, टेरी सिर्फ हैकिंग करता है, मेरे को इन्फॉर्मेशन देता है, ये कभी किसी का मर्डर नहीं करता, कुछ नहीं करता, टेरी ये काम नहीं करता भाई आपको बताइए, टेरी सिर्फ हैकिंग करके मेरे को इन्फॉर्मेशन देता है। मैं उसके पापा को समझाऊंगा और बोलूंगा कि आप कोई टेंशन मत लो, आपकी बेटी सेफ रहेगी, जो भी भाई मेरे को करना पड़े शादी मेरे को करवानी है, चाहे प्यार से अब चाहे आपको पता ही है फिर ट्रेवर का दूसरा तरीका क्या है। पहुंच चुका हूं मैं जगह पर, तो फिलहाल चाचे के पैसे तो काफी ज्यादा है और इनकी इज्जत भी काफी ज्यादा है, मैंने पता कर लिया, फिलहाल ये बहुत अच्छे बंदे हैं, इनका बैकग्राउंड काफी अच्छा है, मेरे बंदों ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी है। देखो भाई अभी आपको पता है लेस्टर मेरी टीम में नहीं है, ऊपर से टेरी आ तो गया बट ये तो भाई आपको पता है कुछ काम करने भी लायक नहीं है, तो मेरे जो नए हैकर्स है वही मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रही है, मेरे हैकर बेस पे मैंने अभी तक कोई हैकर्स नहीं लगाए क्योंकि मेरे को अभी उस लेवल के हैकर्स नहीं मिले जो मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एडवांस हैकर्स चाहिए कुछ। तो फिलहाल ये है चाचा, हेलो भाई मेरे को गार्ड से रोका नहीं है, हेलो सर मेरे को अब जरा बात करनी है, इधर देखिए सुनिए मेरी बात। भाई ये बंदा विजय जैसा लग रहा है कुछ कुछ, विजय का भाई है क्या बे? हेलो विजय सर, इसको तो मार दिया था ना मैंने, ये मुकेम्बो का भाई ना ना विजय नहीं है, GTA है भाई, आपको पता ही है दो चार कैरेक्टर एक जैसे होते हैं दिखने के, मतलब कुछ कुछ शक्ल मिल जाती है, तो इसलिए वो बंदा तो नहीं है क्योंकि विजय का तो अलग ही स्वैग था, और पहली बात विजय को इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं था ये है। हेलो सर जरा मेरी बात सुनिए, आपको एक बहुत ज़रूरी बात बोलनी है, देखो आपने मना किया टेरी जो कि शादी करना चाहता है, आपको सब पता है, देखिए मैं गारंटी देता हूँ टेरी काफ़ी शरीफ बंदा है, वो सिर्फ हैकिंग करके मेरे को इन्फॉर्मेशन देता है ताकि मेरे को कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो मेरे लिए काम ज़रूर करता है बट वो इतना इलीगल काम नहीं करता, मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर आप चाहो तो मैं उसको अलग पैसे दे करके उसका एक बिजनेस सेट करवा दूंगा और वो फिर कभी मेरे लिए काम नहीं करेगा, चलिए मैं इतना भी कर सकता हूँ, अगर इसको कुछ ज़्यादा ही शरीफ दामाद चाहिए तो टेरी का बोल दूंगा भाई टेरी मेरी जॉब छोड़ दे। अब भाई देखो आपको पता टेरी उसके बिना नहीं जी सकता, तो वो शादी करके जरूर मानेगा और मैं अपने बंदे को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैं इसको ये ऑफर भी दे सकता हूँ, तो ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, मैं टेरी को बोलूंगा वो जॉब छोड़ के उसको कहीं पे पैसे से देकर आराम से एक नंबर काम कर लेगा और आराम से जिंदगी को बिताना शुरू कर देगा जैसे आप चाहते हो, बट प्लीज देखो वो शादी करना चाहता है, काफी बुरा हो जाएगा अगर शादी ना हुई तो, और मैं अपने दोस्त को दुखी नहीं देख सकता। ड्राइवर एक बदमाश ही रहता है चाहे वो कितना ही नहा ले, इसलिए तुम उसको कितने शरीफ वाले काम क्यों ना करवा लो, वो एक क्रिमिनल था, क्रिमिनल है ट्रेवर, और अपने जीते जी मैं एक क्रिमिनल से अपनी बेटी की शादी का भी नहीं होने दूंगा, भूल जाओ ट्रेवर, तुम अगर चाहो तो मुझे जान से मार सकते हो, मेरी बेटी को जान से मार सकते हो, हर किसी को मार सकते हो, बट मैं हाँ कभी नहीं करूंगा उस एक गुंडे से शादी के लिए, समझ रहे हो ना तुम। कुछ ज्यादा ही ईमानदार है और बिना मुंह खोले ही बोल गया। अबे मेरे प्यारे भाई जरा मेरी बात समझने की कोशिश कर, शादी तो होकर के रहेगी, तो ठीक है आप किसी देना, अब तो शरीफ बने ना बने टेरी शादी होगी और वो भी आज ही होगी, हम भी देखे आप कैसे रोक लोगे, मिलते हैं शादी पे आना जरूर, आपको एड्रेस भिजवा दूंगा। तो चलिए फिलहाल भाई ये बंदा नहीं मानने वाला मुझे लगता है, इतने प्यार से मैंने समझाया यार, मेरे को मैं आपको बोला था दोस्त सेंटर्स इतने जिद्दी होते हैं प्यार से कभी नहीं मानते, मैंने इतना अच्छा ऑफर इसको दिया कि टेरी अलग काम कर लेगा, मेरी जॉब भी छोड़ देगा, ईमानदार बन जाएगा, तब भी बोलता नहीं रहेगा तो क्रिमिनली। अरे भाई जब बंदा सुधरने की कोशिश कर रहा है मौका तो दो, जब मौका नहीं दोगे तो कैसे चौका लगेगा। फिलहाल टेरी तो बड़ा ही खुश है, बोल रहा है थैंक यू ट्रेवर सर, अभी पहुंच करके सारे अरेंजमेंट मतलब करवाता हूँ, काली भाई का घर आपको याद है वहीं पर वो अरेंजमेंट करा रहा है, काफी जल्दी समय में काफी सारा अरेंजमेंट जल्दी हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है फिलहाल भाई, एक छोटा सरप्राइज और आपको देखने को मिलेगा सीरीज में, वो ये कि भाई मेरे को एक गोल्ड माइन मिल चुकी है, मैं आपको पहले ही बता दूं, फिलहाल जल्दी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वहां पर सोने की खुदाई चल सकती है और देखा जाए तो हमारे पास काफी पैसा आना शुरू हो जाएगा, सोना निकलेगा तो मैं उसको बेचूंगा यहाँ वहाँ पे। आपको पता है एक बिजनेस मैं और करता हूँ पेज के साथ मिलकर के, पेज वो लड़की याद है ना, भूलना मत, वो कार्स बेचती है मुझसे पैसे लेकर के और मुझे प्रॉफिट काफी अच्छा हो रहा है, तो देखा जाए ऐसी बात नहीं है, अब मेरी इनकम सोर्स काफी बन चुके हैं, अलग अलग जगहों से मुझे पैसा आ रहा है,
अब मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है, हर चीज़ परफेक्ट है। घर पे रोकी डोकी आ चुके हैं, मेरी बिल्डिंग है, प्रॉपर्टीज है, सोना पैसा पावर। अब करते हैं मिलिट्री का दी एंड। मैंने आपको बोला था जब सारी चीज़ें मैं सोल्व कर लूँगा लगभग अपने दुश्मनों को दी एंड कर दूंगा। देखो जाए तो लगभग सारे सारे खत्म ही है, दो चार अगर इधर उधर है वो भाग गए हैं। बात रही टेक्नो टीजी वगैरह की, उनका बाद में फिर कभी सोचेंगे। अब लगाते हैं मिलिट्री का नंबर, बहुत परेशान कर दिया भाई। मैं तो कहता हूँ मिलिट्री बेस उड़ा डालते हैं या फिर कुछ और, बट मिलिट्री का नंबर लगाते हैं, बहुत हो गया। अब उनको अपने कदमों पर लाएंगे, क्योंकि भाई वो डेटा उसका भूलना मत, वो वापस मेरे साथ मेरे पास आ चुका है, मिलिट्री का डेटा भी और मेरा डेटा भी। आपको याद है लेस्टर ने और उसके दोस्त प्रिंस ने चुरवाया था ना, वो वापस आ चुका है। तो फिलहाल चलिए वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब कि कैसे मिलिट्री को हम परेशान करें, बट अब की बार मिलिट्री को नहीं छोड़ा जाएगा। अब मिलिट्री का नंबर है, बहुत दिन उनको होल्ड पे रख लिया। हेलो भाई, यो देखो भाई मैं किसी को मारना नहीं चाहता, समझ रहे हो, ये घर है लड़की का, लड़की अंदर है, उसको बुला के लेकर के आओ। ड्राइवर जेसिका को लेने के लिए आया, लड़की का नाम जेसिका है भाई। तो फिलहाल जेसिका को जरा लेकर के आ जाओ यार, उसके बाद मैं फिर निकल जाऊंगा, समझ रहे हो ना। अपने बॉस की तरह जिद्दी है यार बंदे, ड्राइवर खड़ा है सामने, ड्राइवर अबे भाई सब इतना मारूंगा, ये शरीफ बंदा है तो तेरे गार्ड इतने शैतान क्यों है, वो तो बड़ा शरीफ बिजनेसमैन है भाई, उसने गार्ड से गोली चला दी इतनी सी बात पे। अबे भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोगों ने मारने का मौका दिया तो मैंने मारा। देखो भाई शुरुआत मैंने नहीं करी, शुरुआत मैंने करी नहीं है, मैंने हर जगह प्यार से बात करी, बट सच्ची में बंदे चाहते नहीं है मैं प्यार से बात करूं। अबे मैं नहीं चाहता घर में घुसते गोली मारना शुरू कर दूं, मैं एक मौका जरूर देता हूं। मतलब बंदे यार क्या चाहते हैं, ड्राइवर से हमेशा क्राइम करवाना, ड्राइवर को ईमानदार बन जाने दो थोड़ा बहुत यार। तुम लोग मतलब ये क्यों चाहते हो कि ड्राइवर के हिस्से में दो चार अच्छे काम लिखे जाए ना। अबे ड्राइवर ब्रो मिनी गन के जैसे चाकू निकाल लिया, मरवाने वाले काम कर रहा है हम लोगों को। तो ठीक है भाई, अब जब ये चाहते ही है कि इनको जान से मार के मैं यहाँ से जेसिका को लेकर के जाऊँ, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम जेसिका को ऐसे लेकर के चले जाएंगे। फिलहाल तो मैंने लगभग काफी गार्ड्स का दिया कर दिया है, ऊपर से नहा भी लिया। तो फिलहाल भाई ये हमारी जेसिका यहाँ से आ चुकी है, तो चलिए फटाफट से इसको लेकर के चलता हूँ। तो ये है हमारे मतलब कि टेरी की फ्यूचर वाइफ, टेंशन मतलब जब तक ड्राइवर जिंदा है सब कुछ ठीक हो जाएगा, डरने को टेंशन नहीं है। तो चलिए फिलहाल भाई इसको लेकर के निकलता हूँ मैं। फिलहाल देखो ड्रेस खरीदने का टाइम बिल्कुल नहीं है वगैरह वगैरह, क्योंकि शादी का भी जल्दी में करवा रहे हैं, वो टेरी भी नहीं मान रहा उसको, वो जल्दी शादी करनी है। ठीक है भाई चलिए, जैसा वो कहता है ऐसा हो जाता है। आ जाइए फटाफट से, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, अरेंजमेंट काफी हो गया होगा क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, रात होने वाली लगभग। तो फिलहाल चलिए भाई टेरी बबुआ आ रहा हूँ मैं। फिलहाल उसने किसी को इन्वाइट भी नहीं करने दिया, कोई नहीं आने वाला उसकी शादी में, बस मैं रहूंगा। यार ये टेरी भी ना कमाल करता है यार, ये टेरी का मतलब कब हुआ ये लव अफेयर वगैरह मेरे को तो कुछ पता भी नहीं चला यार, कमाल करता है ये। देखो 15 दिन के अभी जो 15 दिन बीत चुके हैं उसके अंदर हुआ ये पहले से ही है, कुछ पता नहीं है, वो बाद में फिर कभी फुर्सत में पूछूंगा डिटेल उससे, अभी तो फिलहाल वो इतना बिजी है कि कुछ नहीं बताने वाला। निकलता हूँ मैं टेरी की फ्यूचर वाइफ को लेकर के भाई जगह पर पहुंच गया हूँ। वाह भाई वाह बहुत ही बढ़िया, चलो चलो जैसिका फटाफट से अंदर लगो चलो, मतलब कि लगता है भाई काफी काम चल रहा है। वह गार्ड्स भी लगवा दिए टेरी ने, तो कभी यहाँ पे डंडा ना बजा दे इसके पापा आकर के, इसलिए तो बड़ा गुस्से में है। फिर उसके पापा को पता तो चली गया, मैंने घर पे गार्ड्स को खत्म कर दिया, बट क्या कर सकते यार। अब सीधी सी बात है मेरे ऊपर गोली चलाएंगे तो मैं छोड़ूंगा थोड़ी भाई, नहीं तो सीधी सी बात है ड्राइवर को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अपनी लाइफ बचाने के लिए फिर मैंने वो काम किया। हेलो भाई टकलू गार्ड की हाल चाल है, आराम से ड्यूटी करो भाई। टेरी ने कोई मतलब कमी नहीं छोड़ी, कमाल यार क्या व्यू आ रहा है टेरी का यहाँ से, ये सही है भाई अपनी शादी तो उसने काफी अच्छा अरेंजमेंट करवा दिया, खाने पीने का हर एक चीज इतनी जल्दी से, लगता है अपने जाने वाले बंदे तो बुला ही दिए। तो फिलहाल अरे शादी में दुल्हन आ रही है, नमूना पीछे से देखो तो सही, ओके टेरी यहाँ पर खड़ा हुआ है ऑलरेडी, बहुत ही बढ़िया। टेरी देख मैंने अपना वादा पूरा किया, अब देख यार प्लीज इसका ख्याल रखना और थोड़ा सुधर जा ठीक है, क्योंकि उसके पापा को खुश करना है। आज तो नाराज है कल जरूर मान जाएंगे, वो चाहते हैं उनका जो कोई दामाद हो वो अच्छा बंदा हो। तो ठीक है आगे से टेरी में जो कम काम बोला करूंगा, तू चाहे तो बिल्कुल छोड़ सकता है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हैकर्स रख लूंगा, बट प्लीज कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लड़की को स्पेशली, क्योंकि समझ रहा है ना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा तेरे साथ में। फिलहाल भाई टेरी की शादी होने लग रही है, फादर दो चार चीजें बोलेंगे भाई फटाफट से हो जाती है, जल्दी हो जाएगी। तो पॉइंट क्या है, फिलहाल इससे मैंने वादे ले लिए, बोल रहा है ड्राइवर सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत ख्याल रखूंगा इसका, और थैंक यू आपने किया मेरा सपना आपने पूरा कर दिया, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें बोल रहा है। और टेरी बोल रहा है ड्राइवर सर आप सही बोल रहे हो, मुझे लगता है थोड़े क्राइम वाले काम करने चाहिए ताकि अपनी लाइफ पे ध्यान दे सकूं। मैंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है टेरी, तेरी अपनी लाइफ है, ये अपनी मर्जी से मेरे गैंग में आया था और अपनी मर्जी से चाहे तो जा सकता है, वो वैसे इसके पापा भी खुश हो जाएंगे लड़की के। तो पॉइंट क्या है, ट्रीट करते हैं छोले पूरी तो मैं भी खा के जाऊंगा भाई, तेरी मेहनत करी है तो कैसे न खाए, चलिए देखते खाने में क्या बनवाया है टेरी ने। ड्राइवर छोले पूरी खाएगा क्या शादी में, टेरी की शादी इतनी फास्ट और ऐसे करवानी पड़ेगी मैंने कभी नहीं सोचा था,
ये टेरी भी ना यार हॉट डॉग बना रहा है, वो भी जला जला के। अबे दुनिया में ऐसे हॉट डॉग मैंने आज तक नहीं देखे, ऐसे कौन बनाता है भाई, ये काले पड़ जाएंगे जल जाएंगे नमूनों के सरदार। लगता है लड़की के पापा आ गए शादी में, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ा करके रखा हुआ है भाई, कोई तो आया जरूर, देखते कौन उतरेगा हेलीकॉप्टर से, पता लग जाएगा। टेरी और फादर रुकना मत, आप लोग काम पर लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेवर अभी यहाँ पर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या पता भाई खुश हो गए हो और मान गए हो शादी के लिए, ऐसा भी तो सकता है ना। ट्रेवर तुमने जो ये किया है ये तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें इसका आज पता नहीं होगा बट कल तुम्हें सब पता लग जाएगा कि आखिर मैंने तुम्हें क्यों रोका था सारा काम करने के लिए। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है, तुमने क्या सोचा तुमने अपनी पावर्स को यूज करके सारा काम करा तो दिया बट तुम एक दिन रोगे ट्रेवर, तुमने क्यों कराया, तुमने मेरी बात नहीं मानी ट्रेवर, तुमने ये बहुत बहुत गलत किया, इसका सबक तुम्हें जरूर मिलेगा। और हाँ ट्रेवर, इसको धमकी नहीं समझना, ये मेरा वादा है तुमसे ट्रेवर कि तुम अब एंड होने वाले हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था ट्रेवर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। यार ये चाचा नहीं सुधरने वाला, फिल्मी लाइन मारे जा रहा है मेरे को घंटे से। अरे सर जी अब जो हो गया सो हो गया, क्यों मुंह फुला रहे हो, आओ छोले भटूरे खाते दोनों दोनों मिल करके, जो होना था हो चुका है, सब कुछ सही हो जाएगा। आपको एक शरीफ बंदा चाहिए था, वो शरीफ बन चुका है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे जो कभी कुछ नहीं करेगा, बात ही खत्म है, वो मेरा बंदा है, मेरे कहने पर चलता है सारे काम। और आज तक उसने मक्खी भी नहीं मारी, वो हैकर है सिर्फ, वो इलीगल काम करता था हैकिंग करके, अब वो अच्छे काम कर लेगा हैक करके, समझ रहे हो ना। ऐसा अच्छा बुरा बंदा नहीं है, वो बहुत शरीफ बंदा है। टेरी को मैं भाई बहुत दिनों से जानता हूँ, कम से कम 2.5-3 साल से मेरे लिए काम कर रहा है टेरी, आज तक कभी कोई क्राइम इसने नहीं करा, अगर किया है तो ट्रेवर के लिए किया है, ऐसा ये भाई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, सिर्फ हैकिंग करता है, मेरे लिए बहुत अच्छा बंदा है, मेरे को पता है टेरी की सारी बात है, तो ठीक है आप चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छा बंदा है, आपको नहीं पता। थैंक यू ट्रेवर सर, थैंक यू यार, अगर आप नहीं होते तो मेरा सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाता, आप अमेजिंग हो, आपने सही में मेरा दिल जीत लिया ट्रेवर सर, थैंक यू सारा काम कराने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आपके लिए काम करता था, ये सब कुछ हो पाया, नहीं तो मैं तो बिल्कुल नहीं सोच रहा था, मैं तो मर जाता ट्रेवर सर, बट आपने मेरे को बचा लिया। ए टेरी बिना नमूने का सरदार, अबे मैंने कुछ नहीं किया, ट्रेवर अपने दोस्तों की हेल्प हमेशा करता है, तेरे को पता ही है ना, मैं टीम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पहुंच आराम से, ठीक है मजे ले, जितने दिन तक तेरे को छुट्टी पे जाना है तो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी आपको भी बेस्ट ऑफ लक, लाइफ शुरू हो चुकी है, जाइए दोनों के दोनों, मैंने इनके लिए गाड़ी सजवा दी है, अब जहां टेरी को जाने का मन करेगा, लिबर्टी सिटी, वाइस सिटी, दुबई वगैरह, जहां इसको जाना है जा सकता है, मैं तेरे को फोन नहीं करूंगा, डिस्टर्ब नहीं करूंगा बिल्कुल भी, मजे ले भाई तेरी लाइफ। टेरी तो भाई अपनी वाइफ के साथ बैठ करके यहाँ से आराम से लिमोजिन में निकल चुका है, चलिए फिलहाल हम निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल वैसे यार चाचा को मैंने इतना समझाया, अगर वो मान जाते हंसी खुशी शादी को अटेंड कर लेते तो कितना अच्छा होता, बेचारे माने ही नहीं, चलिए खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल अभी एक बहुत जरूरी काम करने के लिए मेरे को जाना है, मैंने अपने दोस्त का काम कर दिया और ऊपर से उसकी गीदड़ धमकी से कुछ नहीं होता, वो ऐसे बंदे रोज आते हैं ट्रेवर को धमकी देते हैं। अब मैं निकलता हूँ जगह पर, आपको याद है एक जनरल को 15 दिन पहले मैंने बचा लिया था पर दूसरे को मैं नहीं बचा पाया था, क्योंकि मतलब 2 जनरल मेरे को नहीं मिले थे, किसी को भी नहीं मिले थे, अब जा करके मिले हैं भाई, इन्फॉर्मेशन मिल गई, आज तो काफी लकी डे है, इसकी शादी कराते हैं, जनरल की इन्फॉर्मेशन मिल गई दोनों की, वो जो जूनियर बन के रखे और मेरा दोस्त जो है वो दोनों जनरल, फिलहाल एक सबमरीन में किसी बदमाश ने पकड़ के रखे है भाई, मेरे को पता चल चुका है, फटाफट सबमरीन पर निकलता हूँ इससे पहले काम खराब हो जाए। ड्राइवर जल्दी निकल, उनको बचा के मिलिट्री बेस दे देता हूँ, देखो यार मेरा दोस्त है इसलिए मैं बचाऊंगा, उसके बाद मिलिट्री का कोई काम नहीं करने वाला बट वो मेरा पर्सनल काम है, निकलता हूँ भाई। पहुंच चुका हूँ मैं फिलहाल उसी लोकेशन पर जो मेरे हैकर्स ने, जो मेरे गैरेज वाले हैकर्स उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये वही सबमरीन है भाई फिलहाल, जिसके अंदर जनरल दोनों के दोनों है। अब ये किस माफिया की है भाई, काफी बड़ी सबमरीन है जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये किसकी है यार, देखो आपको पता है मैरीवेदर वाले बॉस के ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है, उसका भी दी एंड करना है मुझे फिलहाल, उस बंदे को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, एक तो रिकवरी हो जाने तो मेरे पूरे पैसे के भी निकल रहा है धीरे धीरे, वो अलग अलग जगह पे भाई उन्होंने गार्ड करके रखा है, वो एक ही जगह पे नहीं है। तो फिलहाल चलिए अंदर निकलो ट्रेवर से, रोकी मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ, गन निकाल लो भाई, अगर कोई यहाँ पे मिला तो उसे कमर तोड़ने के लिए काम आएगी ना, जनरल को पकड़ेंगे। अरे रे नमूने लगी नहीं, कोई बात नहीं, अबे अलर्ट रहना चाहिए ना, जब तुम्हें पता है मौत कभी भी कहीं से भी आ सकती है, उल्टे काम करोगे तो कोई ना कोई आके बजाई डालेगा। तो चलिए भाई फिलहाल मैं अंदर तरफ भी पहुंच चुका हूँ, हमारे प्यारे प्यारे भाई जनरल ब्रो आवाज लगाइए तो सही, ड्राइवर आपको आया बचाने के लिए। ओके भाई दिखे मेरे को दिखे यार, सच्ची में इन्फॉर्मेशन मत की यार, अबे कौन हो तुम, किसके बंदे हो, मेरे को फटाफट से बताओ, तुम लोगों की हिम्मत क्या हुई मिलिट्री के ऑफिशियल जनरल को किडनैप करके अभी तक रखने की, ये दोनों के दोनों मिल गए, ये ले बेटे, ऐसी लगी आया मजा। फिलहाल देखो मेन जनरल को जो अपना आज की डेट में सीनियर बन के रखा है वो तो पहले बच गया था। एलम मेरे प्यारे मित्र क्या हाल चाल है,
ठीक है भाई तू। और भाई टकलू तेरे को बोनस से बचाना पड़ गया, नहीं तो बचाता मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि तू मिलिट्री का बंदा है और आजकल मिलिट्री से ड्राइवर की बनने वाली नहीं है। अरे बॉम्ब भी रखे यहाँ पे तो भाई। फिलहाल मैं अपने दोनों के दोनों जनरल को भाई समरीन से सक्सेसफुली बचा के लेकर के आ चुका हूँ। अभी मैं इनको मिलिट्री बेस लेकर के जा रहा हूँ, सिर्फ अपने दोस्त की वजह से इनको जाकर के वहाँ पे छोड़ दूंगा और मेरा काम पूरा हो जाएगा। देखो भाई अभी मेरा ये दोस्त है तो इसलिए मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ सिर्फ, ना कि बाकी और बंदों की। चल मेरे प्यारे जनरल तो खुश तो है ना, और जरा तेरे को कुछ पता चला कौन थे नमूने जिन्होंने तेरे को इतने दिन से पकड़ के रखा था? तू बता दे, तेरा बदला मैं जरूर लूंगा। उसके बाद मैं भाई अपने घर पर निकल जाऊंगा, मेरे रोकी डोगी के पास में काफी रात हो चुकी है। ड्राइवर सर थैंक यू कि आपने हमारे दोनों जनरल्स की जान बचाई, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और ड्राइवर सर पुरानी बातों को प्लीज भूल जाइए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। प्लीज हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है ड्राइवर सर, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर वो चीज अभी खराब हो गई तो सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। ड्राइवर सर प्लीज हमारी बात सुनिए, प्लीज ड्राइवर सर बहुत जरूर से आपकी हेल्प चाहिए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो सकता है। मेरे प्यारे मिलिट्री वाले नमूने, मेरी तरफ से पूरा मिलिट्री बेस खत्म हो जाए मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, काम निकल यहाँ से, भग जाए यहाँ से। मैं सिर्फ इनको छोड़ने आया था, दोनों को छोड़ दिया मैंने मिलिट्री बेस, मुंह उठा के हेल्प मांग रहा है। अबे भाग जाए यहाँ से, ड्राइवर ने कोई सेवा नहीं खोल करके रखी हुई है, अब तुम चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए मैं हेल्प नहीं करने वाला, बोल रहा है सब कुछ खत्म हो जाएगा। पता नहीं क्या हो गया इनके ऊपर, मुसीबत आती रहती है, ड्राइवर याद आता है इन्हें। अबे इतने होनार हो तुम, जब मिलिट्री हो तुम भाई तो कहीं ना कहीं से लगाओ अपना जुगाड़ और ठीक करो अपने हालात, ड्राइवर ही क्यों याद आता है सही बंदों को? और ड्राइवर को ही पीट रहे चलते हैं फिर ये, इनको तो मैं एंड करूंगा भाई, इनकी हेल्प नहीं करूंगा मैं, अब मैं इनका एंड करूंगा बड़े ही प्यार से, अंदर ही अंदर रह करके इनको एंड कर डालूंगा, कुछ प्लान बना के देखते हैं आखिर कैसे मुझसे जीतेंगे, मुझे बहुत बार धोखा दिया है ना। अब चले फटाफट से घर पर निकलता हूँ, मेरे प्यारे दोनों राजा मजे ले रहे होंगे वहाँ पे, वैसे भाई मजे नहीं ले रहे होंगे तो ये पड़े होंगे, और लोग सुबह के 4 बज चुके हैं भाई, मेरे को तो नींद भी बहुत कम मिलेगी, जल्दी निकलता हूँ। मैं घर पर पहुंच चुका हूँ भाई, बड़ी गहरी नींद है सच्ची में, दोनों डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सोने दो, थोड़ी बहुत देर में खुद ही उठ जाएंगे आपको पता ही है, मतलब कि ऑलरेडी देखो काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी 5 बज जाएंगे, 6 बजते धूप निकल जाएगी और उसके बाद इनकी आंखें खुलने वाली है। चलो फटाफट से जितनी नींद मैं भी ले सकता हूँ 2-3 घंटा मैं सो जाता हूँ, जा करके रेस्ट लेना काफ़ी ज़रूरी है, आपको बताइए बिना रेस्ट के तो भाई काम मतलब सारा ही काम खराब हो जाएगा। ड्राइवर सर सब बर्बाद हो गया, ड्राइवर सर सब बर्बाद हो गया, हर एक चीज खत्म हो गई, ड्राइवर सर मैं जीना नहीं चाहता। ड्राइवर सर ये क्या दिक्कत है यार इस टेरी को, सुबह फोन कर दिया, सुबह ज्यादा मतलब टाइम 9:30 से ऊपर हो चुका है, ऐसा भी नहीं कम टाइम है, बट ये रोतू क्यों फोन करता है? पहले भी ऐसी फोन किया था, अब फिर ऐसी फोन किया, यार जल्दी से उठ के आना पड़ा, नहाया भी नहीं है, ड्राइवर ऐसी आ गया। एक सेकंड यार, लगभग 10 बजने वाले है, आज तक अभी तक सो रहे हैं, अमाल है, कभी कभी इतना सोते हैं। मेरे प्यारे गार्ड उनको उठा, जरा नाश्ता वास्ता करवा, ठीक है गोलू मोलू को बाद में बुलाना पड़ेगा इनकी सेवा के लिए। तो चलिए जल्दी से निकलता हूँ, ये नमूने दोनों सो रहे हैं आज तो, ये शायद से सोच रहे हैं कि ट्रेन अभी तक आया नहीं है, जो भी है यार ये बिना अलर्ट नहीं है बिल्कुल भी, आज चलेंगे नाक काम करना बंद कर दिया, मैं यहाँ पे आया सोया और मैं निकल भी गया, इनको देखो पता नहीं चला। मैं पहुंच चुका हूँ भाई इस घर पर, अबे टेरी कौन से घर पर रुका हुआ है भाई, ये क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पर? एक सुन भाई, दीवार पर खून क्या चल रहा है, टेरी खड़ा हो यहाँ पर, क्या ड्रामा है ये, रो मत बच्चों की तरह, बताओ मुझे क्या हो गया। ड्राइवर सर जैसिका नहीं रही, ड्राइवर सर कुछ बंदे मेरे घर पर घुसे, ये मेरा खानदानी घर है, मेरे बाप आप यहीं पर रहते थे, फिलहाल ये खाली पड़ा था कुछ सालों से, मैंने सोचा मैं जैसे को यहीं पर कुछ दिन रखने वाला था, बट कल रात कुछ बदमाश मेरे पास में आए और मुझे बहुत मारा और जैसे को पीट करके यहाँ से लेकर के चले गए। ड्राइवर सर मेरे को सुबह से अब होश आया है, प्लीज ड्राइवर सर उसको बचा लीजिए, उसको लगता है वो बंदे मार देंगे और लगभग मार भी दिया होगा। ड्राइवर सर मुझे नहीं पता कौन थे बंदे बट मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, प्लीज प्लीज कुछ तो कीजिए। इसने सारा काम किया होगा, अरे यार तो टेंशन ना ले, अबे तो खुद हैकर है नमूने, जब तक पता तो कर सकता है लोकेशन, खैर इसकी भी गलती नहीं है, ये अभी होश में आया, जल्दी जल्दी हैकर्स को फोन लगाता हूँ गैरेज में कि जल्दी से यहाँ के कैमरास को चेक करो, टेरी की वाइफ किडनैप, अरे यार ये तो बड़ा बुरा हुआ। फिलहाल भाई देखो मैंने फोन कर तो दिया है, मेरे अभी हैकर्स लगे हुए, जल्दी पता चल जाएगा सारी सारी चीज, टेरी तो टेंशन ना ले, सब कुछ कर दूंगा मतलब पता लगा लूंगा। एक बात समझ नहीं आई, देखो ये उसके पापा नहीं कर सकते, उसके पापा अगर करते तो टेरी को किडनैप करते, इसको पीटते, ना कि बेटी को लेकर के जाते पीट करके, ये तो नहीं है, किसी और ने किया है काम, उसके पापा ऐसा नहीं कर सकते, शरीफ बंदे थे वो, मेरे को पता है, और ऊपर से कोई भी दुनिया का पापा क्यों ना हो तो सबसे पहले लड़के को पीटेगा, लड़की को बाद में मारेगा अगर मारना भी है तो, ये नहीं होगा, और वैसे भी वो बंदा उस टाइप का है ही नहीं, वो अपनी बेटी को कभी टच भी नहीं करेगा, मेरे को पूरा पक्का पता है, ये किसी और का काम है, किसी और का ही काम है। एक बार मेरे को पता लग जाए किसमें इतना दम आया, पता लग चुका है मेरे हैकर्स का फोन आ चुका है भाई, जल्दी निकलता हूँ भूत वाले घर पर, आपको याद है वही सड़ा गला सा भूत वाला घर, मुझे लगता है उसको जला के खत्म कर देना चाहिए, वो तो पता नहीं भाई उल्टे काम करवा रहा है वो घर,
उस घर में इतना नुकसान हो रखा है, सच बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे इतने क्राइम होते हैं, मेरा नुकसान ही होता है वहाँ पे हमेशा। फिलहाल उसी में भाई जेसिको को लेकर के जाया गया, जल्दी जल्दी जल्दी। और पता है कौन ले गया? लोस्ट वाले गद्दार, मेरे वाले बंदे नहीं, जो अलग बंदे हैं, खुद पूरा कर दूंगा मैं, जल्दी निकलता हूँ भाई। मैं भूत वाले घर पर पहुंच चुका हूँ, नमूने लोस्ट वाले बंदो, इतनी बड़ी हरकत कर दी तुम लोगों ने, कल तो मेरे दोस्त की शादी हुई है, अभी तक 24 घंटे पूरे नहीं हुआ और तुम लोग की वाइफ को किडनैप कर लिया। मतलब कोई बंदा अगर सुधरना चाहे तो सुधरने नहीं दोगे किसी को? सही में यार, सही में क्या ही बोलूं, आजा आजा जल्दी से आजा, जैसे को उठाओगे तुम लोग बहुत बुरा हो जाएगा अगर कुछ हो गया ना, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। तो फिलहाल भाई चलिए, ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म, बहुत सारे बंदे ले बैठे, मेरी गोलियां भी खत्म हो गई। कमाल कमाल कमाल, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आ जा, ये बंदा है ही नहीं भाई, कचरा है। ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है, ये ले बैठ, तू भी कचरा है, ये लोस्ट वाले आ जा आ जा आ जा, ये ले बैठे, टकले लग गई लग गई लग गई लग गई। ओके परफेक्ट, लग गई है, बहुत सारी गोली खा करके मरा है नमूनों का सरदार। आ जा भाई आ जा फटाफट से, जैसे कहा भाई देखो ऐसे कवर ले रहा है, दिख नहीं पाएगा मेरे को। भाइयों प्लीज बताओ जेसिका कहाँ पर है, मेरे को खुद ही ढूंढनी पड़ेगी यार, कहाँ पर डाल दिया जेसिका को। हेलो जेसिका, कहीं ना कहीं मैं तो बांध के रखा होगा। वाह बेटे भाई, मरेगा मरेगा मरेगा, ये ले बेटे। तो फिलहाल चलिए भाई देखो ऊपर जाकर के चेक करता हूँ, किसी ना किसी रूम में जरूर होगी जेसिका। मेरे को आवाज लगा, अगर तेरा मुंह नहीं बांधा तो जल्दी से बता, मैं ट्रेवर देख यहाँ पर आ गया तेरे को बचाने के लिए। ब्लड ट्रेवर, घर के अंदर निकल, घर के अंदर निकल। ओके भाई बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। और रूम्स मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूम्स है। मैं ऊपर आ गया भाई बालकनी में, तो फिलहाल ये वाला रूम में नहीं भाई कुछ नहीं है। मैंने नीचे वैसे कुछ मिस तो नहीं किया ना, एक बार मैं नीचे भी जाकर के चेक कर लेता हूँ, कभी भाई किसी नीचे वाले रूम में ही हो जैसिका, ऐसा हो सकता है। ड्राइवर एक काम कर, नीचे निकल नीचे निकल नीचे नीचे, जब बहुत सारे रूम्स है, जल्दी जल्दी जल्दी। लोस्ट वालों की कमर बाद में तोड़ूंगा, शोर मचा रहा है। बेसमेंट में भी तो है यार, यहाँ पर बेसमेंट में भी जाकर के चेक कर लेता हूँ, पूरे पूरे घर को चेक कर लेता हूँ एक बार मैं। अबे यार एक बंदे मई सच्ची में बिल्कुल नहीं मानने वाले, इतना मारूंगा बहुत ज़्यादा तुम। एक सेकंड यार, ये जैसिका है ना, चेक कर लिया भाई, जैसिका मर चुकी है, इन्होंने मार दिया। इसका मतलब किडनैप पैसे के लिए वैसे नहीं किया, जान से मारने के लिए किडनैप किया यार बेचारी को। कैसे यार कैसे बंदे हो रहे लोस सैंटोस में, अबे नमूनो, कल तो शादी हुई बेचारे की और आज किसने किया ये काम? लोस्ट वालों को कोई पंगा नहीं है, किसी और ने करवाया है लोस्ट को यूज करके, किसने करवाया भाई ये मेरे को पता करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। टैरी को बोल देता हूँ फोन करके, टैरी यार नहीं टैरी को नहीं बोलूंगा, टैरी को नहीं बोलूंगा मैं, किसी और बोल बंदों को बोलता हूँ अपने, प्लीज जेसिका को यहाँ से लेकर के जाओ। अरे यार उसके डैड भी अब क्या बोलेंगे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। अगर 1% में इसकी शादी नहीं कराता तो ये चिंता रहती, अब यार मुझे नहीं पता था ये ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा कैसे हो सकता है यार? ट्रेवर की फैमिली में कोई अटैक, टैरी मेरी फैमिली और ये उसकी वाइफ, सही फैमिली, मेरी फैमिली के ऊपर अटैक कौन कर सकता है यार, वो भी एकदम से। हैकर्स को पता लग चुका है किसने भाई ये मर्डर करवाया लड़की का, बंदे मुझे बता रहे फोन पे बोल रहे ट्रेवर सर आप खुद जाकर के जगह पर चेक कर लीजिए, आपको शौक लग जाएगा। चलिए भाई जाकर के चेक करता हूँ आखिर किसने करी है ये हरकत। जल्दी 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 निकल ट्रेवर, क्योंकि बंदा पिटेगा इतना, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। मैं जगह पर भाई पहुंच चुका हूँ, ट्रेवर चल भाई आराम से अंदर निकल, गोली वगैरह तो बाद में बजाएंगे, फिलहाल देखे तो सही कौन है नमूना। यहीं पर बताया था मेरे बंदों ने कि यहीं पर मिलने वाले हैं वो बंदे जिन्होंने सारा काम किया। बड़े बुरे बंदे होंगे यार जो बिल्कुल दिल में दया नहीं है। अबे भाई कल ही शादी हुई थी बेचारी की और आज ही सारा का सारा, ये क्या था? टैरी है ना सामने, एक सेकंड भाई, एक सेकंड एक सेकंड, ट्रक कवर में आ जा। टैरी इसने मरवाई? नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, ये टैरी क्यों मरवाएगा यार, ये तो मरने को तैयार था उसके लिए शादी के लिए। ये कि मेरे हैकर्स ने क्या गलत खबर दे दी? एक सेकंड मैं यार पीछे की तरफ यहाँ पे आकर कवर ले लेता हूँ और अब मेरे को इनकी बातें सुननी पड़ेगी। भाई साहब ये क्या ड्रामा चल रहा है, अगर ऐसा हो गया होगा तो मेरे तो सर में दर्द हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा यार, इतना पागल तो नहीं है टैरी की अपनी वाइफ के मार डालेगा ट्रेन बस कवर ले। अब सुन इनकी सभी की बातें। देखो जैसा तुम लोगों ने बोला था सारा काम ऐसा ही हुआ, लड़की मरवा दी मैंने लोस्ट वालों को पैसे दे करके, ठीक है। अब प्लीज बोलो जल्दी से बंदे को कि सारा का सारा डेटा वापस करे और हर एक चीज, समझ में आया ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, और ट्रेवर भाई को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। बात रही जैसिका की, उसके पापा को भी अगर मारना पड़े उसको भी मार देंगे, बट प्लीज ये बात लीक मत करना कि सारे काम के पीछे मैं हूँ, और जाकर के बोलो अपने बॉस को जो उन्होंने बोला था मैंने सारा काम कर दिया, जाओ जल्दी से यहाँ से, इससे पहले किसी को शक हो जाए। ये क्या देखने को मिल गया भाई, ये क्या देखना पड़ रहा है? तो वही वाली बात हो गई, मेरा खुद का दोस्त गद्दार बेचारी लड़की से, एक तो मेरे को भाई ऐसी सिचुएशन बनवा के शादी करवाई, इसने मेरे को यूज किया भाई, यार हद हो गई यार। वो बंदा सही बोल रहा था, इसका मतलब उसके पापा के ड्राइवर तुम्हें गलत कर रहे हो, क्या बदतमीज करा तूने टैरी, ये क्या किया तूने नमूने,
अपनी वाइफ मार डाली तूने, तेरे को मैं बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा। मतलब मैंने तेरे लिए तेरा रिस्क लिया, मैंने तेरी शादी करवाई, तू मेरा बंदा है, वगैरह 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 वगैरह, तेरा सर फोड़ डालूंगा मैं। इससे पता तो करूं आखिर ये वजह हुई क्या है, कौन थे बंदे? पहले तो बोला मैं मर जाऊंगा, बेचारी को मार दिया इसने यार। अबे शादी को करी, अगर मार रहा था ऐसे ही मार देता ना नमूने। ड्राइवर सर, सो सॉरी ड्राइवर सर, मैं मजबूर था, दरअसल किसी एक बहुत ही खतरनाक हैकर ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है कुछ दिनों से। वो मुझसे ही बड़ा खतरनाक हैकर है, मैं उसको हैक ही नहीं कर पाया, उसने मुझे उल्टा हैक करके इतनी कमाल कमाल की इन्फॉर्मेशन मेरे पास से चुरा ली जो मैं बिल्कुल लीक नहीं होने देना चाहता। ट्रेवर सर, मेरी फैमिली की बहुत अजीब हिस्ट्री है और मेरी फैमिली में कुछ उसके पास फोटोज और वीडियोज है जो मैं लीक नहीं होने देना चाहता। ट्रेवर सर, वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए मैंने उसे कहने पर सारा काम किया। उसने मेरे को 15 दिन पहले बोला था इस लड़की को अपने प्यार में फंसाऊं और इससे शादी करूं, क्योंकि शादी करने के बाद में उस लड़की से उसे कुछ चाहिए था जो डेटा वगैरह सिर्फ शादी के बाद ही मिल सकता था, इसलिए मैंने शादी करी और शादी के तुरंत बाद मैंने वो डेटा लड़की से लिया उसको झूठ वूट बोल करके, और वो डेटा मैंने आज इन बंदों को दे दिया। ट्रेवर सर, इसलिए मैंने शादी करी थी, और ये काम भी उन्होंने बोला था कि शादी होते ही उस लड़की को मार देना, ये मेरा प्लान नहीं था, बट जैसा उन्होंने बोला मैंने किया। ट्रेवर सर, मैं जैसिको को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, बस उन्होंने जैसा बोला मैंने किया, उनके बोलने पर मैंने शादी करी, उन्हीं के बोलने पर मैंने डेटा लिया और उन्हीं के बोलने मैंने उसको मरवा दिया लो उसके हाथों। प्लीज ड्राइवर सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इसको क्या बोलूं, टेरी मैं तुझे माफ नहीं बेटे, मैं तुझे साफ करूंगा, क्योंकि तूने उस लड़की को बिना वजह मारा जिसकी कुछ गलती नहीं थी। वो लड़की बड़ी शरीफ थी, मैं तुझसे प्यार करती थी पागल लड़के, तो पॉइंट क्या हो गया, इसने बड़ा बुरा काम मुझसे भी करवा दिया, मैं भी इसमें बराबर का हिस्सेदार बन चुका हूँ। मेरे को पता कुछ नहीं था, मेरी गलती कुछ नहीं थी, बट इस टेरी ने मुझे भी बराबर का बना दिया हिस्सेदार इस क्राइम में, क्योंकि मैं अगर ये शादी नहीं करवाता तो कुछ भी नहीं होता। इसने मेरी दोस्ती का गलत फ़ायदा उठाया भाई, आगे से दोस्तों की हेल्प भी करने से 100 बार सोचूंगा। ये मेरे को यार यूज़ किया इसने, लड़की का मेरे को बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। इसका सर फोड़ दिया, अब क्या करें, इसका इलाज करवाना पड़ेगा, है तो दोस्ती। कुछ बंदों को फ़ोन करता हूँ, इसको हॉस्पिटल में लेकर के जाएंगे और बोलता हूँ इसका इलाज कराओ, उसके बाद इसको फिर पीटूंगा जब ठीक हो जाएगा। मैंने बंदों को बोल दिया है भाई फिलहाल। वैसे टैरी की बात मेरे सर के ऊपर चली गई, कुछ बात समझ नहीं आई, मतलब ऐसा कौन सा डेटा है जो शादी के बाद ही मिल सकता था भाई? अरे उसको पहले ही ले लेता शादी से पहले, उसको ऐसे झूठे झूठे वादे कर देता है, कुछ भी सिचुएशन बन जाती, डेटा चाहिए था उसके पास। ऐसा क्या डेटा था यार उस लड़की के पास जो इसको शादी करनी पड़ी, शादी करने के बाद में फिर उसको डेटा मिला और इसने मार दिया? कौन है आखिर वो हैकर जो टैरी को भी हैक कर बैठा भाई? टैरी बहुत खतरनाक है अगर आपको पता है, कहीं वो वाला हैकर तो नहीं भाई जो टेक्नोलॉजी को जो पकड़वाना चाह रहा था टेक्नो मुझे एक बंदे को, याद है वो हैकर भाग गया था, मैं उसको पकड़ नहीं पाया था, कहीं वो तो नहीं है? अगर वो है तो पता लग जाएगा, बट जो भी है यार बड़ा बुरा हुआ जैसी के साथ, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे को बड़ा दुख है। मिलिट्री वाले का फ़ोन आया भाई, मुझे मिलना पड़ेगा, मैं ये नहीं कि उनकी हेल्प कर रहा हूँ, बस मुझे मिलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि टैरी का और मिलिट्री का जो काम हुआ है ना सारा ये लिंक है कहीं ना कहीं एक दूसरे से, मेरे को पता करना पड़ेगा फटाफट से। चलिए मिलिट्री बेस निकलता हूँ, मेरे ही जनरल से मैं बात करूँगा जाकर के, जो मेरे दोस्त है फिलहाल वो आ चुका है, वही खड़ा हुआ है, बोल रहा है कि ट्रेन भाई मैं आपको सारी बात समझाऊंगा, प्लीज़ आ जाइए। सच में मिलिट्री बहुत परेशान है और काफ़ी मुसीबत हो सकती है अपनी बार। कुछ नहीं भाई, पहुँचता हूँ, आखिर पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, टैरी और इस चीज़ में इन्वॉल्व है, पता लग जाएगा। मैं मिलिट्री बेस भाई पहुँच गया हूँ, चलिए बातें कर लेते हैं। हेलो मेरे प्यारे जनरल ब्रो, चल ठीक है बोल भाई, तेरी बात सुनूंगा मैं, इन नमूने के बाद बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अच्छा बोल भाई, क्या हो गया, क्या परेशानी है, मिलिट्री वालों क्यों परेशान हो के रखे हैं ये? ड्राइवर अभी मेरे को पता चला है भाई, मैं तो फिलहाल रात को तो सो गया था, बट इन्होंने मेरे को सुबह सुबह बताया भाई। ड्राइवर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है हम पर नहीं पूरी दुनिया पर, पता है क्यों? क्योंकि अगर अब की बार हमने नहीं रोका तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि लॉस सैंटोस की जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है उसको कोई बंदा हैक करना चाहता है। ड्राइवर उस सैटेलाइट में इतनी पावर है कि उसको अगर किसी ने हैक कर लिया तो वो सैटेलाइट पूरे वर्ल्ड की हर एक सैटेलाइट को हैक करके फिर किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब को लॉन्च करवा सकती है। वो तुम्हें पता है ट्रेवर, अगर बॉम्ब्स लॉन्च हुए तो पूरी दुनिया में कहां कहां वो फटेंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सारे बॉम्ब्स जितने भी है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है। सैटेलाइट्स को अगर ऑर्डर मिले कि बॉम्ब को छोड़ दे तो बॉम्ब छूट जाएंगे। इसलिए ट्रेवर जो कोई भी बंदा चाह रहा है, मुझे लगता है वो यही काम चाह रहा है, वो सैटेलाइट को यूज करके उन बॉम्ब्स को फोड़ना चाहता है, मतलब कि दुनिया का अंत। ड्राइवर अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब सारे के सारे देश पर और सारी दुनिया पर गिर गए तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, और इनका इतना खतरनाक असर होता है ड्राइवर, सालों साल दुनिया पर कोई इंसान देखने को नहीं मिलने वाला। ड्राइवर अब की बार कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं है, कोई बड़ी मुसीबत है, कोई बंदा कोई बड़े इरादे से सारा काम कर रहा है, वो चाहता है कि दुनिया बर्बाद हो जाए, और लॉस सैंटोस की सैटेलाइट में दम है कि वो सब कुछ करा सकती है। और ड्राइवर मुझे लगता है वो बंदा अपने प्लान में सक्सेसफुल हो भी गया है,
क्योंकि 3 दिन पहले मिलिट्री बेस के खुफिया एरिया से वो हैकिंग डिवाइस चोरी हो चुका है, जिससे उसको एक्टिवेट करके अपनी सैटेलाइट को हैक किया जा सकता है। बट ट्रेवर अभी हमें एक चीज की तसल्ली है कि उसका कोड जल्दी से कोई यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एक कोड होता है जो कुछ खास ही मेंबर्स को दिया गया है, तो इसलिए जब तक कोड नहीं होगा वो डिवाइस काम नहीं करेगा और सैटेलाइट हैक नहीं होगी। इसलिए अभी तक हमारे पास कुछ दिन की मोहलत है ट्रेवर, प्लीज ढूंढ के निकालो आखिर ये डिवाइस किसने चोरी किया प्लीज, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। काफी लंबी बात इसने बोली, बट आप समझ गए होंगे, लॉस सैंटोस ही नहीं भाई पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी ऐसे तो, फिर तो थोड़ी मुसीबत है भाई। अगर मुझे माफिया बनना है तो दुनिया होनी तो चाहिए ना, मार्स पे जाके माफिया बनने का क्या फायदा। तो ये इतना खतरनाक काम कौन करना चाहेगा यार। देखो लॉस सैंटोस में बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स है जिस इतना पावर रखती है, अगर उनको आप हैक कर लो तो बाकी सैटेलाइट जितनी भी ऊपर आसमान में घूम रही है उन सभी को आराम से हैक कर सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद क्या होगा आपको पता, सैटेलाइट अगर आपके कंट्रोल में आ गए फिर तो आप चाहे कुछ भी कर सकते हो, कोई भी नेटवर्क बंद कर सकते हो, इंटरनेट बंद कर सकते हो, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल कर सकते हो आप करना, बहुत सारी चीज़ें जैसे टीवी के चैनल्स बंद कर दो आप, वो सब सैटेलाइट से चलते हैं आपको बताइए। तो पॉइंट क्या चीज़ है, हर एक चीज़ बहुत सारी जो नेट से कनेक्टेड चीज़ें आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। और आपको बताया भाई काफ़ी बड़े बड़े बॉम्ब जो बहुत सारे स्पेस में पूछा करके रखते हैं हर एक गवर्नमेंट, उनको भी किया जा सकता है कंट्रोल। तो इसी बात का डर है इन बंदों को कि अगर उन बॉम्ब को किसी ने कंट्रोल करके दुनिया के ऊपर छोड़ दिए तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो इतना बड़ा खतरनाक प्लान कौन सोचेगा यार। अब तक जितने बंदे शहर में आए हैं सब माफिया बनना चाह रहे थे लॉस सैंटोस में, बट ये अब की बार जो कोई अलग बंदा आया भाई ये मतलब दुनिया उड़ाना चाह रहा है भाई, अमेजिंग। और लॉस सैंटोस में इसलिए आया क्योंकि इसकी सैटेलाइट यही की सैटेलाइट से चीज़ पॉसिबल है। बड़ा बुरा हुआ। तो टेरी इस चीज़ में कैसे लिंक है भाई, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा पता जल्दी निकल ट्रेवर यहाँ से। मैंने अपने हैकर्स को सारी सारी बातें बोल दी है, मैंने बोल दिया कि प्लीज भाई पता करने की कोशिश करो आखिर टेरी ने क्या उस लड़की से लिया है और क्या उन हैकर्स को दिया है, और ये हैकर्स वही है कि जो ये सारा काम मिलिट्री में हुआ है। हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकालने को मैंने बोल दी है। फिलहाल चलिए भाई मैं साइड में पहुँच ही गया हूँ, ग्रेवयार्ड पर निकलता हूँ। बेचारी अपनी जेसिका को भाई भाई बोल दिया गया है, उसका फ्यूनरल भाई हो चुका है। चलिए जाता हूँ उसी ग्रेव पर जा करके मैं भी चेक कर लेता हूँ बेचारी को, उसका मेरे को सच्ची में बड़ा दुख है यार। ये टेरी बेकार बंदा, सच्ची में बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे इस पर। मैंने इतने दिल से उसकी शादी करवाई थी, मैंने सोचा चलो मेरा प्यार दोस्त कुछ मांग रहा है, उसने दिल ही तोड़ दिया भाई, ऐसा कौन करता है यार। चलिए जल्दी से निकलता हूँ मैं, मतलब ब्लैकमेल हो रहा था तो मुझे बताता नमूने, उसको मारवा दिया तूने फ्री में और बड़ा बुरा हुआ। फिलहाल चलिए भाई ग्रेव मैंने पता कर ली है, लड़की कहाँ पर है वहीं पर जा करके 2-4 मिनट भाई आराम से शांत रहता हूँ, उसके लिए प्रे वगैरह करते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। वैसे ट्रेवल ऐसा कभी करता नहीं है बट फिर भी इसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि लड़की मरनी नहीं चाहिए थी, बहुत गलत किया टेरी ने किया, इसलिए मेरे को दुख है। ऊपर से शादी के दिन ही मर गई यार, 24 घंटे भी नहीं हुए, काफ़ी गलत हुआ। चलिए खैर अब जो हो गया मैं उसको बदल नहीं सकता, मैं तो भाई कुछ अभी कर ही नहीं सकता आपको बताइए। मैं अपने दोस्त की मेमोरी वापस मिल ना पा रहा तो मैं इस लड़की को कैसे वापस ला पाऊंगा। फिलहाल सामने कुछ और बंदे भी खड़े हुए हैं भाई जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, और यही ग्रेव है जैसे मुझे बताया गया था। फिलहाल काफ़ी जल्दी से भाई इसको पूरा कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हो पत्थर ही कर दी थी जल्दी से। फिलहाल चलिए भाई मैं पहुंच चुका हूँ, वाह ये टकला देखा देखा सा लग रहा है भाई, दिखने में थोड़ा ये विंड डीजल लग रहा है मुझे, सस्ता विंड डीजल, देखो थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट कुछ ऐसे लग रहा है मेरे को। तो फिलहाल चलिए भाई शायद से कोई जानने वाला होगा, प्रे कर रहा होगा, मैं भी यहीं पैसे कर लेता हूँ। दुनिया बहुत छोटी है ड्राइवर, जानते हो जो लड़की यहाँ पर सोई हुई है ये बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी लड़की थी जिसने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा अच्छे इंसानों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। बहुत दुख है मुझे कि आज ये मेरे को देखना पड़ रहा है, सही में ड्राइवर ये नहीं होना चाहिए था। तुम अब अपने आप को ही देख लो, तुम इतने ज्यादा बड़े माफिया बनते हो वेपन्स के दम पर, देखा जाए तो ड्राइवर तुमसे बड़ा कमजोर इंसान मैंने आज तक कभी दुनिया में नहीं देखा। तुम एक मर्द ही नहीं हो ड्राइवर, क्योंकि मेरी नजरों में मर्द वो होता है जो बिना किसी हथियार के किसी को मारे, कि तुम्हारे हाथों में बिल्कुल दम नहीं कि तुम उसको पीट करके मार दो, तुम्हें हर वक्त वेपन्स की जरूरत पड़ती है। तुम कोई मर्द और कोई गैंगस्टर नहीं हो ड्राइवर, तुम सिर्फ एक नामर्द हो इस छूट में छुपे हुए जो अपने आप को बहुत बड़ा माफिया समझता है। जो कुछ भी है ड्राइवर, अब जो शुरुआत हो चुकी है उसका अंत ड्राइवर मैं करूंगा, शुरुआत तुमने करी अंत मैं करूंगा, तुम्हारी सजा तुम्हें बताएगी कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। तुम्हें मैं ना जीने दूंगा ना
मरने दूंगा। ये कौन है भाई, लेना ने देना इतनी सुना दी इसने मेरे को फ्री में। अबे टकले, सर पे बाल तो है नहीं, टकला भी छील डालूंगा मैं। ये क्या बदतमीजी चल रही है यार, सच्ची में बेइज्जती कर रहा है बंदा। अबे मैं यहाँ पे प्रे करने आया इसके लिए, तू जानना पहचान मैं तेरे मेहमान कौन है भाई नमूने तू। ये उल्टी सीधी बातें क्या बोल रहा है, बदला लेगा किस चीज़ का बदला लेगा, हद मचा रहा है भाई। जा प्रे कर निकल, पड़ोसी है क्या इसका, मेरे को भी बहुत दुख है, मानता हूँ गलती हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोला जाएगा। ऊपर से बोल रहा है मर्द नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अबे वेपन्स है हमारे पास, हम तो यूज़ कर रहे हैं भाई, तेरे पास नहीं होंगे ना, रामे कर रहा है। और तेरे लिए तो मैंने घूसा ही काफ़ी है नमूने, तू बोलता है ना तेरे को वेपन से एलर्जी है, किसी ने अगर तेरी मेरी बजी जा तेरे को, चल प्रॉमिस करता हूँ तेरे को घूसों से ही मारूंगा, तेरे को वेपन से मारूंगा नहीं मैं। कमाल है यार, मतलब कैसे कैसे नमूने आते हैं। ये चाहता है कि मैं घूसों से लड़ूं, आपको पता ही नहीं, तो ट्रेयर मिनीगन लेके मारता है, तो इसको डर लगता है मेरे वेपन से। चल ठीक है टकले, अगर तूने कभी पंगा लिया ना, तेरे लिए प्रॉमिस है तेरे को हाथों से ही मारूंगा, समझा ना, तेरे को वेपन से नहीं मारूंगा, तेरे को डर लगता है ना। और आगे से ज्यादा फालतू बोला तो सीधा कर दूंगा, समझा। ये अकड़ और एटीट्यूड कुछ पल का है ट्रेवर, क्योंकि तू जिसके सामने खड़ा है ना, बहुत जल्द समझ जाएगा कि मैं तेरी आने वाली मौत हूँ ट्रेवर, तेरी मौत। तू जरा पीछे तो मुड़ कर के देख, इस वक्त तेरा दोस्त शायद मुसीबत में है, जाकर के चेक कर चर्च के बाहर, क्या पता कुछ देर को देखने को मिल जाए ट्रेवर। जा 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 जल्दी से जा, जल्दी निकल ट्रेवर भाई, कुछ बंदे तो सच्ची में है यार, वो टेरी को बांध के लेके जा रहे शायद से, मैंने अभी बैंगलोर से ऑन करके देखा, जैसे ही मैंने देखा बंदे एकदम से भाग लिए। ड्राइवर जल्दी 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 जल्दी, अबे नमूना छोड़ूंगा नहीं तेरे को, तू यहीं पर रुक मैं गंजे तेरे पास अभी आता हूँ मैं। टेरी को मैंने हॉस्पिटल भिजवाया था, यहाँ पर कैसे आ गया वो नमूना। चलती 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 निकल, गाड़ी स्टार्ट हो जा। कौन है ये नमूनों के सरदार, इसके बंदे है क्या, पता नहीं कौन है इसका, अभी कुंडली निकलवाता हूँ मैं, इतनी लंबी लंबी फेंक रहा था। आ जा कैसे रुक गए नमूना, कौन तुम टेरी मेरे प्यारे भाई। अरे गाड़ी फट जाएगी, बहुत खतरनाक तरीके से इनके भाई गोलियां है भाई, बुलेट प्रूफ कार थी, नेता बना डाला यार, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। जल्दी से ट्रेयर मार इनको। अरे रे भाई भाई काम खराब चल रहा है, मैं गोली मारूं इन नमूनों को करूं क्या। जल्दी ट्रेयर, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गए आराम से भाई, बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, गाड़ी का बुलेट प्रूफ सिस्टम खराब हो चुका है, ऊपर से गाड़ी खुद ही उछले जा रही है, मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, बहुत बुरा हो गया क्योंकि सारे के सारे टायर फट चुके हैं भाई। गोली मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ा आगे नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से बंदे वेपन्स यूज़ कर रहे हैं। आप जैसे कि देख रहे हो मिनीगन है यार, मिनीगन है, ज्यादा आगे जाऊंगा काम खराब हो जाएगा, शीशे नहीं है गाड़ी के, शीशे खराब हो चुके, गोली मुझे लग रही है डायरेक्ट, ज्यादा आगे जाने का नुकसान है, ऊपर से बंदों को शायद से गोली लग भी नहीं रही, मैंने एक बार हुआ फायरिंग करके ट्राई कर भी लिया, अब तो मेरी गाड़ी घूमना ही बंद हो गई, तो भाई मेरी गाड़ी नहीं घूम रही अब, क्योंकि मैंने देख लिया बहुत बुरा हो रहा है भाई। मुझे लगता है गाड़ी में बैठ के रिस्क लेना चाहिए मुझे, कहीं मेरी गाड़ी फट जाए, मानता हूँ अभी तक फटी नहीं है, बट फट सकती है मेरे प्यारे भाई, टेरी में आ रहा हूँ तेरे को बचाने के लिए, एक बार और ट्राई करूँगा, नहीं भाई नहीं हो रहा, मेरी गाड़ी घूम नहीं रही है, गाड़ी का दी एंड हो गया, गाड़ी घूमना बंद कर दी। फिलहाल कोई दिक्कत की बात है, नमूनों देख लूँगा मैं कहाँ पर जा रहे, कोई बात नहीं, मेरे हैकर सब कुछ संभाल लेंगे। यार पहली बार ऐसा हुआ कि गाड़ी में कुछ डिफेक्ट हुआ, ये टकला बड़ा चालाक है यार, गाड़ी को कैसे असर हो सकता है, पहली बार ऐसा हुआ कि गाड़ी में कोई वेपन्स असर करे, ज़्यादातर मेरी गाड़ी में वेपन्स असर नहीं करते, बड़ी बुरी हालत हो गई यार अपनी मर्सिडीज़ की, कैसे हो सकता है ये पॉसिबल कि मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशे ख़त्म, पूरी पूरी गाड़ी ख़त्म कर दी, टायर पंचर हो चुके, फिसल रही है, मुड़ नहीं रही बिल्कुल भी, तो ये गाड़ी का तो दी एंड हो गया। बट कोई दिक्कत नहीं, मेरे हैकर्स हैं, कब काम आएंगे, उनको फ़ोन करता हूँ, फटाफट से इस ट्रक को फॉलो करो, मैंने हैकर्स को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर के निकलता हूँ भाई। देखो घूम ही नहीं रही है गाड़ी नहीं घूम रही, मैंने घुमा के रखे राइट में और भाई गाड़ी घूम नहीं रही है, जैसे टायर आप देख रहे हो घुमा के रखा टायर। फिलहाल उस गंजे के पास निकलता हूँ जल्दी से, चल गाड़ी का तो बुरा हाल हो गया, मतलब भाई इतने ज़्यादा बुरा हाल आज तक कभी किसी गाड़ी का नहीं हुआ मेरी, सही है सही है यार, घूम नहीं रही, गाड़ी को वहाँ पे ले जाना ना बड़ी मुसीबत का काम पड़ रहा है, घूम नहीं रही ना, बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसा टायर ना जाम वगैरह हो चुके हैं, फिर कुछ तो हुआ है, गाड़ी के टायर्स ख़त्म हो चुके हैं, गाड़ी सीधी चल रही है बट घूम नहीं रही। अरे यार ट्रेवर कोई बात नहीं, ऐसे तो घूम रहे टायर बट रोड पर नहीं घूम रहे, पता नहीं क्या बात है। चलिए थोड़ी देर में पहुँच ही जाऊँगा, टक्कर लगते बस पहुँच ही गए चर्च, ज़्यादा दूर नहीं है, टकला वहीं पर होगा। एटीट्यूड बोल रहा था बहुत ज़्यादा, ड्राइवर तुम ये नहीं हो, मर्द नहीं हो, और बहुत बहुत बड़ा मर्द है, इसने करवाया था ये काम, देख रहे हो मिनी गन चलवाई थी दबा करके मेरे ऊपर, अब ये कहाँ की मर्दानगी आ गई, मतलब अपने लिए सारे रूल पास, दूसरे के लिए रूल खत्म।
क्या ही बोले अब तो, फिलहाल चलिए पता लग जाएगा कहीं ये काम इसने करवाया भी नहीं करवाया, कभी सिर्फ इस चीज़ का सिर्फ फायदा उठाया हो, ये भी हो सकता है। देखो भाई क्योंकि ये बंदे को ना गन से एलर्जी है, इसने खुद बोला ये गन्स यूज नहीं करता कभी भी, तो भाई ये काम मुझे लगता नहीं इसका हो, क्या पता किसी और ने किया हो और इसने मेरे को बस बोला हो कि पीछे देख तू। तो चलिए जो भी है पता लग जाएगा। फिलहाल कहाँ पर है टकले भैया, आ रहा है ट्रेवर, हमारा प्यारा विन डीजल की सस्ती गोपी यहाँ से भाग गया है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हाथ में आएगा, पता तो चलेगा इसके विलास कौन था ये, वो मैं पता कर ही लूंगा। चलिए भाई ट्रेवर यहाँ से निकल। वैसे एक बंदा बता सकता है मैं इस चीज़ के सारे राज, वही लड़की का पापा जैसिका का फादर, उसके पास पहुंच के बातें करे। चलिए देखते जैसे भी होगा, फिलहाल यहाँ से निकलता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ट्रेवर, पहले ही फोन किया था, तुम्हें जैसे की शादी नहीं करवानी चाहिए थी। बात ये नहीं कह रहा मैं तुम्हें कि तुमने जैसे को मरवा दिया कुछ कर दिया, मेरी बेटी मुझे छोड़ करके चली गई, मुझे बहुत दुख है ट्रेवर, मैं बता नहीं सकता तुम्हें अपना दुख, मुझे इतना दुख है मेरी प्यारी बेटी। बट फिलहाल मैंने तुम्हें इसी चीज की वार्निंग दी थी, बताए तुम्हें उसकी शादी के बाद तुमने किसको अपनी जिंदगी में बुलाया, उसके एक लौते ऐसे भाई को जो अपनी बहन के लिए पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। तुम्हें जरा मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ ट्रेवर, जब जैसिका अपने कॉलेज के स्टार्टिंग दिनों में गई थी तो कुछ बंदों ने उसकी रैगिंग करी थी, उसके साथ बदतमीजी करी थी, ये बात एडम को पता चल गई थी। एडम उसी वक्त कॉलेज गया और उन सभी लड़कों को उसने हाथ पैर काट करके उनके घर में बॉक्स में भिजवा दिए थे। आज भी वो लड़के जिंदा है बट उनके हाथ पैर नहीं है, वो सिर्फ बेड पर ऐसे ही पड़े रहते हैं। अब तुम समझ सकते हो उसके भाई का कितना खतरनाक गुस्सा है। तुमने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी बहन की शादी एक बदमाश से करा दी, वो वहां से तुरंत निकल पड़ा था आने के लिए, और जब रास्ते में वो था ड्राइवर तो उसे फिर एक और खबर मिलती है कि उसकी बहन मर ही गई। तो अब तुम सोच लो ड्राइवर, जो भाई सिर्फ शादी होने की वजह से तुम्हें दी एंड कर सकता था, अब तुम्हारी वजह से उसकी बहन मर गई है तो वो क्या करेगा ट्रेवर? तुम शायद से उसे मिल ही चुके हो, ग्रेवयार्ड में जो बंदे से तुम मिले थे वही मेरा बेटा एडम है, वो मेरी भी नहीं सुनता ट्रेवर जब उसकी बहन की बात आती है। अब मुझे नहीं पता वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। और एक बात और ध्यान में डाल लो ट्रेवर, वो एक ऑफिसर है, वो एक आर्मी ऑफिसर है, वो भी डेडली आर्मी ऑफिसर, जिसने अपनी जिंदगी के पूरे 25 साल सिर्फ फील्ड पर बिताए। वो इतना खतरनाक ऑफिसर है, कभी किसी के ऊपर रहम नहीं करता। आज तक उसने 15,000 से क्रिमिनल्स को जान से मारा है, वो हर एक चीज में ट्रेन है ड्राइवर, वो सिर्फ अपने हाथों से ही बंदे को खत्म कर सकता है, वो बहुत खतरनाक है। मुझे अपने बेटे से खुद बहुत ज्यादा डर लगता है। ए तो भाई कुछ ज्यादा ही फेंक रहे चाचा जी। तो इसका मतलब वो टकला जो हमें ग्रेवयार्ड में मिला था उसका नाम एडम है, वो लड़की का सगा भाई है, तो ये है भाई वजह, इसीलिए उसने मेरे को इतनी सुनाई। अब मैं समझ सकता हूँ उसने मेरे को ऐसे ऐसे क्यों सुनाई। तो वो बंदा एक ऑफिसर है यार, ये कोई माफिया नहीं है, मैंने बोला ना ये शरीफ फैमिली है, उसका भाई वो ऑफिसर है। बट भाई साहब उसको जॉब किसने दी, वो तो हाथ पैर काट दिए जब उसने कॉलेज में बंद हो गए। पॉइंट जो भी है भाई, वो आर्मी में रह चुका है आज से 20-25 साल शायद से बताए हैं, ऊपर से वहाँ पर 15,000 से ऊपर बंदों का दी एंड कर चुका आर्मी में रह करके, उसमें कोई दिल नहीं है वगैरह वगैरह, बट अपनी बहन को बहुत प्यार करता है। अब देखा जाए तो भाई मुसीबत बढ़ेगी क्योंकि वो बंदा अपनी लाइन का है। एक माफिया वाले बंदे कमज़ोर होते हैं बट एक आर्मी का ऑफिसर जो भी इतना खूंखार ट्रेन 25 सालों से ही काम कर रहा है, तो ये थोड़ी मुसीबत दे सकता है मेरे को मेरी लाइफ में। बट यार देखो मैं इसको क्या ही मारूं, इसकी वजह से मतलब मेरी वजह से इसका थोड़ा नुकसान हो गया। मैं अभी भी अपनी गलती मानता हूँ इस चीज़ को लेकर के, मेरे बंदे ने करा मतलब मैंने किया, टेरी ने फ्री में मेरे को कहाँ फंसा दिया। अब जो भी है मेरे को देखना पड़ेगा सारी चीज़ें। मिलिट्री वाले भी ना आधी रात रात परेशान करते हैं भाई मेरे को, बोल रहे हैं ड्राइवर सर ये रात को ही काम हो सकता है, जल्दी आ जाइए लेकिन लेट मत कीजिए। तो फिलहाल चलिए भाई निकलता हूँ, जगह पर पहुँच कर आपको सारी बातें समझा दूँ कि मिलिट्री वाले क्या कर रहे हैं भाई, क्योंकि उनको डर है कहीं सेटेलाइट हैक ना हो जाए और पासवर्ड मिलते तो हैक हो ही जाएगी, और हैक होते तुरंत यहाँ पर बहुत बड़ा बॉम्ब से अटैक होगा पूरे लॉस सैंटोस और पूरे अर्थ पर, तो जिससे कोई जल्दी से नहीं बचने वाला। अब की और मुसीबत बहुत बड़ी है और इसको हम रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे कुछ कंफर्म नहीं पता, कोई दुश्मन नहीं पता अभी तक। मैंने अपने सभी दोस्तों को फोन कर दिया कि भाइयों बहुत तुमने नींद ले ली, 15 दिन से मेरे सारे दोस्त रेस्ट पर थे। मैंने मॉर्फियस चाचा को फोन कर दिया, फिलिप्स को फोन कर दिया, रोकी को फोन कर दिया, मैंने हर एक अपने टीम के बंदे को फोन कर दिया, वो सब अलर्ट हो चुके हैं, वो पूरे शहर में अभी सुबह होते ही सभी को ढूंढना शुरू करेंगे। अकेला क्यों थकूं आपको बताइए, मेरी कितनी बड़ी टीम है भाई, मेरे मॉर्फियस बाबा इतना मारेंगे बंदों को, इतना मारेंगे पता नहीं कितना मारेंगे मेरे को खुद नहीं पता।
सब बंदे आने लग रहे हैं, बोल रहे ट्रेवर टेंशन मत ले, डगन तो यहाँ तक बोल रहा है ट्रेवर आग लगा दूंगा सही में। मैंने बोला वो भाई आग वाग मत लगा, बस तू पता कर किसने सारा काम क्या है। बिग माफे लग चुका है यार, अब तो बंदे बहुत है मैं गिनती भूल जाता हूँ। टी सी है, डेविल है, गुडफादर है, मतलब बंदे इतने हैं मेरी टीम में। मेरी फैमिली बहुत बढ़ चुकी है और पावर्स इन्हीं की, तो मतलब ये बंदे हैं तो मेरी पावर्स है ऑटोमेटिक, सीधी सी बात है। फिर जल्दी से निकलता हूँ, ये अपना काम करेंगे, मैं जरा मिलिट्री के पास निकलता हूँ। मिलिट्री वालों को मैं सुनसान एरिया पर पहुंच चुका हूँ, पता नहीं मिलिट्री वालों को कौन से सस्ते नशे हैं भाई जो आधी आधी रात को मेरे को पहाड़ों के ऊपर बुला रहे हैं। अबे नमूने मारने का प्लान तो नहीं ना मुझे? बहुत सारे बंदे भाई यहाँ पे सर्कल बना करके रखे हुए जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। ओके भाई फिलहाल बहुत बढ़िया भाई, क्या हो गया, कौन है यहाँ का लीडर, चल क्या और हो है। ओके भाई ये शायद यहाँ का मेन नमूना है, कौन कौन सी मशीन यहाँ पर रखी गई है भाई, कुछ तो चल रहा है जो भी है। हेलो भाई ऑफिसर, क्यों बुलाया आप लोगों ने मुझे यहाँ पर, क्या कर रहे हो आधी रात को, जल्दी से मेरे को बताओगे सारी बात। मैंने इस बंदे सारी बात कर ली है, चलिए यार फिलहाल इसकी मैं हेल्प अभी करूंगा। देखो मिलिट्री का एंड करना है वो अलग चीज़ है, बट देखो लोस सेंटोस और पूरी दुनिया लगभग खतरे में है, तो अभी थोड़ी हेल्प इनकी कर देता हूँ। मैं इनकी हेल्प नहीं कर रहा, मैं अपनी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि गलती मुझसे ही हुई है। एक बार ये हैकिंग वाला सिस्टम सही हो जाएगा तो मैं इनको फिर देखूंगा। पॉइंट क्या है फिलहाल, ये बंदे यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, इन्होंने कुछ ऐसा डिवाइस रेडी किया है जिससे सैटेलाइट में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं जिससे उसको ब्रेक न किया जा सके। ये सैटेलाइट की सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं सारी की सारी कि उसको हैक करना इम्पॉसिबल हो जाए, हर एक चीज़ को यूज़ करके, उस डिवाइस को भी यूज़ करके जो चोरी हुआ है, तो फिर सैटेलाइट हैक नहीं हो सकती। बट ये बंदे बोल रहे हैं कि ट्रेवर सर एक तो यहाँ पे काम चल रहा है और एक दूसरी जगह पे काम चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ चाहिए सैटेलाइट, ऐसे नहीं हो, बहुत खतरनाक सैटेलाइट है, उसकी प्रोग्रामिंग दोबारा चेंज करना और उसको सिक्योर करना बहुत मुश्किल काम है। मेरे को बुलाने का काम ये है, मैं हैकिंग तो नहीं जानता बट मुझे इसलिए बुलाया गया ताकि मैं इसको प्रोटेक्शन दे सकूँ। ऑलरेडी दो बार अटैक हो चुका है इनके ऊपर, बंदे बोल रहे हैं, बंदे अब बहुत कम पड़ गए हैं, मिलिट्री वाले आने लग रहे हैं यहाँ वहाँ से, बट ऑलरेडी भाई 500 से ऊपर बंदे मारे गए ऐसा मुझे बोल रहा है। अब झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है पक्का नहीं पता, बट बोल रहा है 500 से ऊपर बंदे मारे गए, मेरे को बुलाया है प्रोटेक्शन के लिए। इनको पता है मेरे अंदर मतलब एडामेंटियम, ट्रेवर अकेला ही सभी को मार सकता है, मुझे भी पता है, इसलिए मेरी हेल्प ले रहे हैं। तो चलिए भाई यहाँ पर थोड़ा सा घूम लेता हूँ, थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ, जब यहाँ पर कुछ अगर अटैक वगैरह होने लग गया तो मैं बंदों का नेता बना डालूंगा। फिलहाल तो सब कुछ सही लग रहा है भाई, सिचुएशन कंट्रोल में है, ये अपना काम कर रहे हैं सारे बंदे, ये नए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जब हो जाएगा सारा काम सही हो जाएगा। मेरे पास भाई फोन आया है दूसरे एरिया से, जल्दी निकलना पड़ेगा आने वाले बंदों से, इसने ही बोला है और भाई बाकी बंदे बुला रहे हैं मेरे को। ह्यूमन लैब पे जल्दी पहुंचना पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि ह्यूमन लैब पे अटैक हो गया है, दूसरा काम वहां पर चल रहा है, और ह्यूमन अटैक भाई मतलब ह्यूमन लैब नीचे की तरफ ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं पर जाकर के जल्दी से बंदों को सिक्योर करता हूँ। इसका मतलब बंदों ने सच में अटैक कर दिया यार, कमाल कर रहे हैं आर्मी वाले भाइयों, टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ तब ठीक हो जाएगा। क्या करना, मतलब सिचुएशन कैसी कैसी आती है। अभी तक तो मैं इनको मारने के प्लान सोच रहा था और अभी इन बंदों को बचाना पड़ रहा है, इसको बोलते किस्मत जब होती है ना तो कुछ भी खराब हो सकता है। फिर मैं ह्यूमन लैब पहुंच चुका हूं, देखो कितने सारे बंदे यहां पर खड़े हुए हैं, ये फिलहाल सारे के सारे बंदे अटैक करने पहुंचे ताकि सॉफ्टवेयर बन ना जाए। इसका मतलब सारे बंदे उसी हैकर्स ने भेजे होंगे, मतलब उसी हैकर ने भेजा होगा, वैसे वो हैकर्स भी हो सकते हैं, अकेला नहीं हो सकता भाई, क्या बता इतना बड़ा काम कोई अकेला बंदा ना कर रहा हो, किस मतलब बहुत सारे हैकर मिलकर सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि काम बहुत बड़ा है भाई, पूरी दुनिया को मतलब खत्म करने का सोचा इन बंदों ने, तो ये कितने खतरनाक और कितने साइको टाइप के बंदे होंगे। अबे यार दो चार बंदों को मार लो, लोस सैंटोस के ट्रेनर बन जाओ, ज्यादातर जितने विलन आते हैं लोस सैंटोस को कब्जा करने के लिए आते हैं, बट ये पहला बंदा मैं देख रहा हूँ जो भाई पूरे दुनिया को खत्म करने के लिए आके रखा है, इसको ना लोस सैंटोस से मतलब ना ट्रेवर से मतलब, ये बंदे को सैटेलाइट हैक करके न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने, बात खत्म। कमाल भाई ये तो कुछ अलग लेवल का साइको है। अबे नमूनो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें भी तो खत्म कर देगा वो, अगर मान लो अर्थ खत्म हो जाए तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, पैसों का अचार डालोगे, पैसों के चक्कर में इलीगल काम कर रहे हो। तो चलिए फिलहाल भाई गोली लग गई है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने सभी बंदों को सुला डाला मेरे। ओके भाई अभी भी सभी बंदे नहीं सोए हैं, कहाँ पर से छुप के गोली चलाते यार, एक तो अंधेरा ऊपर से कवर की मुसीबत, हम तो बड़े परेशान हो जाते हैं यार सच्ची में, कवर लेकर के छुप जाते हैं ना, छुप ही जाते हैं। तो ये रहे भाई आरे वाले बंदे, हेलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके तो इसका तो अटैक अभी हुआ नहीं था, बंदे ताक में खड़े थे मतलब कि भाई देख रहे थे कि कब अटैक करे भाई, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही मशीन्स रखी हुई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग जल्दी से फटाफट से हैकिंग करते रहो भाइयों, मतलब नए सॉफ्टवेयर पे काम करो, जल्दी बना के उसको अपडेट करो ताकि सब ठीक हो जाए। तो चलिए फिलहाल चलिए अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, जब मेरे को लगता है यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगी। एक काम करता हूँ यार मैं ना, अरे भाई एक काम करो, ये जगह सेफ नहीं है मेरे हिसाब से भाई, मैं कब तक यहाँ पे इनको पहरेदारी दूंगा, कोई सेफ जगह पे निकलो। वो भाई सुनो अपना सारा सामान भर लो, यहाँ पे अटैक दोबारा भी हो सकता है, कहीं और सेफ जगह पर निकलते उसके बाद देखी जाएगी सारी चीज़ें, तुम कोई सेफ जगह पे चले जाओ और मेरा पीछे छोड़ो यार। हम सभी लोग भाई यहाँ से निकल पड़े हैं, ट्रक में सारी सारी मशीनें डाल लिए, साइंटिस्ट आराम से फिलहाल भाई चलते चलते हैकिंग कर रहे हैं, फिलहाल अपना काम ये भाई कंटिन्यू रखें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो फिलहाल चलिए बढ़िया। देखो यहाँ पर रहते तो दिक्कत हो सकती थी, इसलिए कोई भी दिक्कत अभी नहीं होने वाली, आराम से चलो भाई मैं तुम्हारे साथ चलूंगा रास्ते तक जहाँ तक भी तुम्हें जाना है,
बट ये बदतमीजी मत करो, ये ड्राइविंग करनी नहीं आती बंदों को, देखो क्या काम कर रहा है। अबे किसने लगाया तेरे को आर्मी में, कमाल करता है नमूने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ थे भाई, ये बड़ी जिम्मेदारी काम है, ये आर्मी ऑफिसर कुछ उल्टे काम ना कर दे। ओ भाई बहुत ज़रूरी चीज़ें जा रही है इस ट्रक में, अभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक लौती ऐसी चीज़ है, अगर लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट उसको अपडेट करने में फेल हो गई तो समझ रहे हो फिर तो भाई अटैक होने का ही होगा। नीचे के एरिया से भाई बहुत सारे बंदे रोड पर चढ़ चुके हैं जो कि अटैक करने के लिए आए हैं फिलहाल हमारे ऊपर और इन सभी ट्रक के ऊपर। ऐसे कैसे मैं अटैक नहीं होने दूंगा, तुम ट्रक चलाते रहो कंटिन्यूस, जो कोई बंदे मैं इनको सभी को संभाल लूंगा। इसका मतलब भाई हैकर चैन से नहीं बैठ रहे, उनको पता है कि मिलिट्री ने अगर शायद से ये चीज कर ली ना तो बड़ा बुरा काम हो जाएगा। मुझे लगता है भाई मेरे को दूसरे तरीके से इनको दी एंड करना पड़ेगा, ये बंदे ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। ट्रक सिक्योर है, ट्रक देखो आप आगे की तरफ जाने लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं हूँ सो कुछ नहीं होने वाला। आने दो नमूनों, आने दो, एक काम करता हूँ तुम्हारा इलाज मैं ऐसे ही करता हूँ, फिलहाल एक काम करूँ एलियन गन छोड़ दूँ, जो होगा तो दिखी जाएगी। ट्रक काफी आगे निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे नमूनो निकलो निकलो, सॉरी सॉरी, ट्रक तो निकल गया ना, ट्रक तो भाई निकल गया होगा यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा दूर तक एलियन असर नहीं करती। फिलहाल चलिए मैं निकल के जाके चेक करता हूँ, ट्रक सिक्योर है ना, बहुत बढ़िया। नमूने मान नहीं रहे यार, बिल्कुल गाड़ी पे आकर की टक्कर मारी नमूने ने। हेलो प्यारे प्यारे ट्रक ब्रो, ठीक तो है ना? ओके हाईवे से जाने के लिए मैंने बोला था। ओके भाई ट्रक बिल्कुल सिक्योर है, जैसे कि आप देख रहे हो सामने तक जा रहा है, तो ठीक है इनको मिलिट्री बेस तक पहुंचवा देता हूँ सिक्योर, अच्छा मतलब सेफ्टी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई ऐसे चलते चलो, आओ सामने से मिलिट्री बेस तक पहुंच जाएंगे और वहां पे जाकर अपना काम करते रहना, बहुत बढ़िया। अगला अटैक देखो, वैसे अटैक सच्ची में हो रहा है, मिलिट्री वाले ने झूठ नहीं बोला था। मिलिट्री वालों को मैंने आराम से भाई सेफली यहाँ पर पहुंचवा दिया ट्रक के साथ में। ये बंदे बोल रहे हैं थैंक यू ड्राइवर सर, अभी आराम से काम करते हैं और आपको बताते हैं क्या हुआ। मैंने बोला भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे रुक गई भाई, आज तो रुकनी तो नहीं चाहिए थी। चलिए खैर जो भी है निकलते हैं यहाँ से और पता करते भाई बाकी और चीजें। ड्राइवर तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, तुम्हारा दोस्त टेरी इस वक्त मेरे कब्जे में है। फिलहाल थैंक यू बोलो तुम मुझे कि मैं उसको कहीं से छुड़ा के लेकर के आया हूँ। उसको किसी माफिया ने किडनैप कर लिया था, तुमने देखा ही था चर्च के टाइम वो बंद कर जा रहा था, उसको कोई बंदे उठा के ले गए थे। बट ऐसा कैसे ट्रेवर से कोई लेके चला जाएगा, उसने मेरी बहन को जान से मारा है ड्राइवर, उसको तो मेरे ही हाथों से मरना था, इसलिए उसने मेरी बहन को एक दिन तक जिंदा रखा। शादी के मुश्किल से कुछ ही घंटे तक वो जिंदा रही, तो मैं भी उसको ट्रेवर एक दिन या कुछ ही घंटे दूंगा जिंदा रहने के लिए। अब अगर तुम्हारे पास दम है तुम अपने दोस्त को बचा सकते हो तो बचा लो, अगर ट्रेवर तुमने उसको बचा लिया तो वादा करता हूँ उसको छोड़ दूंगा, बट अगर तुम फेल हो गए तो आई एम सो सॉरी ट्रेवर, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। बट मरेगा तो टेरी जरूर मेरी हाथों से और तुम्हारी टीम के सही बंदे, क्योंकि मेरी बहन मेरी जिंदगी में रही, मैं अनाथ हो चुका हूँ, अब तुम देखना क्या होगा। ओके भाई ये सस्ते विंडीजल का फोन था, जैसे कि आपने सुन ही लिया, टेरी को ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो मेरा आइडिया बिल्कुल ठीक था भाई, इसका मतलब जो किडनैपिंग यहाँ पर हुई थी चर्च पर पहले ग्रेवयार्ड पर वो किसी और ने करी थी, अब ये किसने करवाई यार, वो हैकर ने करवाई होगी शायद से। क्या मतलब हैकर टेरी को मारना चाहता उसको किडनैप करके, क्योंकि भाई टेरी ही जानता है सारी चीजें हैकर के बारे में। टेरी की लास्ट लोकेशन मिल चुकी है भाई मेरे हैकर्स को, फटाफट से निकलता हूँ जल्दी से, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए। जल्दी 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 टेरी भैया, वैसे इसका फोन कैसे एक्टिवेट रहेगा यार, जो भी है पता लग जाएगा, देखते हैं लास्ट लोकेशन में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। जल्दी पहुंच ट्रेवर, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए टेरी के साथ में। मानता हूँ बेकार बंदे ने गुस्सा दिलाया मेरे को सुबह से, बट है तो फैमिली का ही बंदा ही, पहचाना तो पड़ेगा यार। पहुंचता हूँ, मैं पहुंच चुका हूँ भाई उसकी करंट लोकेशन पर, फिलहाल यही उसकी लोकेशन आ रही है। जल्दी ट्रेवर निकल, एलियन गन हटा ले भाई, एलियन गन बड़ी खतरनाक काम कर जाती है आसपास में। तो फिलहाल चलिए कोई है क्या, टेरी आवाज लगा नमूने मुझे, ट्रेवर तेरा भाई आया तेरे को बचाने के लिए। फिलहाल एक सेकंड यार, ब्लड ब्लड पड़ा है बहुत ज़्यादा। हेलो टेरी अंदर है क्या भाई तू? अरे रे 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 टेरी ठीक तो है ना? चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। उसने बोला था भाई कुछ घंटे दे रहा हूँ मैं, एक दिन का टाइम दूंगा, फिर इतनी जल्दी कैसे, कुछ भी एक घंटा भी नहीं हुआ। टेरी ड्राइवर यार सो सॉरी, मैंने कुछ घंटा तेरे को देने का बोला था बट मैं दे नहीं पाया, क्योंकि जब जब मैंने इसको देखा मेरे को मेरी बहन याद आती रही और मेरा गुस्सा बढ़ता रहा ड्राइवर, इसलिए मैंने इसको काट डाला, क्योंकि मेरी बहन को इसने जान से मारा। इसकी इतनी हिम्मत, एक तो मेरी बहन से इसने शादी करी तब मैं इसको जान से मार डालता, और इसने तो उसको मुझसे छीन ही लिया तो मैं इसको कैसे छोड़ देता। सॉरी मैं कुछ घंटे रुक नहीं पाया, क्योंकि इसको देखकर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए इसको काट दिया मैंने। विन डीजल ये नहीं करना चाहिए था, टेरी मर गया भाई, मैंने इसकी बॉडी चेक कर ली, कोई सांस नहीं है, कटा पटा पड़ा है पूरा का पूरा, बहुत बुरी तरीके से मारा टकले ने इसको। पॉइंट क्या है फिलहाल, जल्दी से फोन करता हूँ हैकर्स को, भाई इस एडम की लोकेशन निकालो, एडम मेरे को सर में दर्द दे सकता है, क्योंकि एक तो साइको ऊपर से आर्मी वाला बंदा हर चीज़ जानता है, इसमें स्किल्स काफ़ी होने वाले हैं, ये हर हैकिंग स्किल्स जानता होगा, ये बहुत सारी चीज़ें जानता होगा। आर्मी वाले बंदे हर चीज़ से ट्रेन होते हैं, और ऊपर से 25 साल का एक्सपीरियंस यार बहुत ज़्यादा होता है,
इतना तो ड्राइवर को भी नहीं है, क्योंकि 25 सालों से बंदा आर्मी में काम कर रहा है। ड्राइवर तो माफिया ज्यादा पुराना नहीं है, 3-4 साल से माफिया वाले काम कर रहा है। मैंने अपने हैकर्स को फोन करके इन्फॉर्मेशन दी, तो हैकर्स मेरे को बोल रहे ड्राइवर सर हम आपको फोन करने वाले थे, हमें एडम का एक बेस पता चला है फिलहाल जहां पर वो हो सकता है, जल्दी से पहुंच जाइए इससे पहले वो टकला कहीं पर भाग जाए। तो चलिए फिलहाल भाई टकले में आ रहा हूँ, तेरे को नहीं छोड़ूंगा यार। इस बंदे को मारने का मेरा सच में मन नहीं है, बट उसको पीट के खत्म करके तोड़ फोड़ के गैरेज में डालना पड़ेगा। जान से इसलिए नहीं मारना का मन इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है ना टेरी की वजह से हो रहा है सारा काम। वो टकला फ्री में हमसे नहीं लड़ रहा, वजह है उसके लड़ने की, आपको पता है भाई। गलती हमारी तरफ से हुई है, स्टार्टिंग हमने करी है, इसलिए मैं उसको मारना नहीं सोच रहा। बट अगर वो फ्री में आके पंगे लेता तब तक उसका तैयारी कर देता। जगह पर पहुंच चुका हूं, यहां पर आप बहुत सारे कंटेनर्स देख रहे हो ना, बंदा यहीं पर है भाई, और शायद से अपनी आर्मी के साथ हो सकता है, पैदल हो सकता है, पक्का नहीं पता, मतलब अकेला हो सकता है, कुछ नहीं जानता मैं। फिलहाल पैरों में गोली मार के इसको ले करके चलता हूं, बहुत हो गया इसका दम दिखाना, आ जा बेटे बनाऊंगा नहीं तारे। यार वेपन से इसको नहीं मारूंगा, इसको मैंने प्रॉमिस किया था और इसको बोला था कि जा बेटे तेरे को प्रॉमिस करके बोलता हूँ तेरे को वेपन से नहीं मारूंगा। कोई बात नहीं, इसके लिए एडवेंटेज वाला घुसा ही बोलता है, इसको घूस ही मार मार के मैं तियांडी कर दूंगा। फिलहाल चेक करूँ है कहाँ पर, बोल रहा था ना कि ट्रेवर तो मर्द ही नहीं है, हर काम मिनी गन से करता है, तो इस बहुत बड़े मर्द को ना मैं हाथों से ही मारूंगा ताकि इसे गलतफहमी दूर हो जाए कि ट्रेवर गन से बंदा बदमाश नहीं बनता। ट्रेवर तब भी बदमाश है चाहे हाथ में गन हो ना हो, अकेला घूसे से खत्म कर सकता है बहुत सारे बंदों को। मेरे प्यारे भाई कोई है क्या? अरे यार लगता है पूरा बेस खाली है, भाग गया। इसको मैं भी हाथों से ही मारूंगा, इसने चैलेंज किया था ना मेरे को। चलिए बढ़िया बात है, देखते हैं कहां तक जाएगा। हेलो जी कोई है यहां पर? पूरा एरिया खाली है भाई, लगता है बंदा भाग गया या फिर इन्फॉर्मेशन गलत थी, जो भी है पता लग जाएगा। हैकर्स को थोड़ा और टाइम देता हूँ यार, देखो बंदे लगे हैं बेचारे इतने प्रोफेशनल। सॉरी ट्रेवर पीठ में लग गई क्या? अरे लेते तो कमर ही टूट गई यार, सो सॉरी। तो ठीक है भाई थोड़ा उनका टाइम देता हूँ, जो मेरे हैकर्स हैं नए हैं भाई, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है बेचारों को, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे हैकर्स ने अब मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि वो बंदा फिलहाल फटाफट से जल्दी ट्रेवर निकल, अब है वो बंदा इस वक्त F5 बिल्डिंग की पार्किंग में, वहीं पर कुछ काम करने के लिए गया है, किसी बंदे से बात कर रहा है, तो F5 वाले से कुछ कर रहा है कुछ, और जो भी है पता लग जाएगा। ट्रेवर इससे पहले वहां से भागे निकल मेरे भाई, आज नहीं छोड़ूंगा टकले को। मैं पहुंच चुका हूं फिलहाल भाई प्यारी सी पार्किंग में, तो हमारा प्यारा गंजू यहीं पर कहीं पर मिलने वाला है। हेलो टकले भाई, वेयर आर यू? शायद सामने खड़ा है ना, ओके निकलते हैं। गंजू में दम बहुत है, डरता नहीं है, मैंने सोचा खड़ा हुआ है भाई, सामने आ रहा है मेरी तरफ ही मिलने के लिए। तो फिलहाल आमने सामने आज दो बंदों की टक्कर हो जाए, सामने खतरनाक मर्द आ रहा है। अबे ट्रेवर से तूने पंगा लिया और लाइनें ऐसे सी मारी, क्या ही बोलूं तेरे को, बताऊंगा आज मैं रियल मर्द क्या होता है। ट्रेवर से पंगा, वेपन से ही ट्रेवर हीरो ही बनता, नमूने तेरे को नेता मैं ही बनाऊंगा। आजा। और भाई जी एडम फ्री में, यार देख मानता हूँ कुछ कंफ्यूजन होके रखी है, मैं तेरे को सारी बातें क्लियर करता हूँ, ऐसा मत कर ब्रो, अभी वक्त है। डर गया ट्रेवर, तू अपनी मौत को देख के डर गया, पर टेंशन मतलब तेरे को मैं अभी नहीं मारूंगा। और तू क्या मुझे यहाँ पे पकड़ने आया है? कितना ही दम लगा ले ट्रेवर, तू मुझे छू भी नहीं सकता, पकड़ के दिखा, क्योंकि मैं एक स्पेशल ऑफिसर हूँ जो स्पेशल चीजों से बनाया गया है। पावर सिर्फ तुझमें ही नहीं है ट्रेवर, मुझमें भी है। अगर तू दम रखता है तो मुझे पकड़ के दिखा, मैं भी देखता हूँ तू क्या कर लेगा ट्रेवर। अकला भागा भाई ये सारी बातें बोल के। अबे रुक तो सही एडम, यार मेरी बात तो सुन ले, इसको गोली नहीं मार सकता, मैंने इसको प्रॉमिस करके रखा है। कोई बात नहीं, बात सारी गोली की नहीं है, सारी चीजें मारा मैं संभालूंगा। कहां तक भागेगा नमूने? भाग ट्रेवर से बच के भागेगा तेरे को नहीं तो। ये क्या है भाई, ऐसा लगा टेलीपोर्ट किया बंदा। बाइक तो मुझे ही मिल गई है, किस्मत तो मेरी बहुत ही अच्छी है, जहां तक जाएगा मुझे ही पाएगा। ये टकला टेलीपोर्ट कर रहा है यार, अभी बोलू इसने बोला था ना इसके अंदर भी पावर से मेरे अंदर ही है भाई। आपको पता ट्रेवर के अंदर एक पावर है घूसे मारता है, बड़े खतरनाक, तो ये पावर है मेरे अंदर। अब इसके अंदर टेलीपोर्ट वाली शक्ति है कि शायद से, इसका मतलब कोई आम ऑफिसर नहीं है भाई, ये कोई खतरनाक ऑफिसर है, शायद से इसके ऊपर किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके रखे हुए। टकले बेटे आ गया मैं, कहां जाएगा? जहां तक जाएगा ट्रेवर को ही पाएगा। वाह भाग रहा है तो मैं भी भागता हूं, मैं क्यों रुक के रखा हूं? अबे रुक जा नमूने, मेरी बात तो सुन यार, ये ना 25 सालों का एक्सपीरियंस मेरे को दिखा रहा है आज ही। अबे कहां तक जाएगा तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्डिंग में फंस गया, जा। अरे भाई लगता है इसको यूज करके मार्कर को ऊपर गया है, मेरे को ऊपर निकलना पड़ेगा जल्दी ट्रेवर, जल्दी। मैं भाई फाइनली मार्कर को ऊपर आ चुका हूं यूज करके। एडम देख अब कहीं नहीं जा सकता, अब यहां से जाने कोई रास्ता नहीं है, मेरी बात सुन, समझ रहा है ना? क्या समझाएगा ट्रेवर, तू तूने अभी तक मेरी शक्ति को देखा ही नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अबे रुक जा गंजे, कूद गया भाई साहब नमूनों का सरदार। भाई ये क्या आइटम है यार, कुछ तो गड़बड़ है, ये ऊपर से कूद गया। चल ट्रेवर जल्दी, कहाँ पर गया? जहाँ पर भी जाएगा भाई मैं इस नमूने को छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिलहाल ये अपना प्यारा एडम ऊपर से कूद तो गया, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा भाई, दूर दूर तक भी।
एक सेकंड भाई, सामने ना मेरे को व्हाइट टी शर्ट का एक बंदा दिख रहा है, शायद से एडम ही है ना, शायद से एडम ही है। ओके भाई, फिलहाल ये बाइक पर बैठा हुआ है। अबे ड्राइवर यार, मेरी बिल्डिंग ने मैंने नुकसान कर दिया। आराम से कोई दिक्कत नहीं। एडम बेटे क्या हाल चाल है? ओके मेरे लिए रुका हुआ था। आ रहा हूँ, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। रुक जा ड्राइवर, आराम से। बस तो फिलहाल जल्दी, सामने गाड़ी और बाइक खड़ी है भाई, उनमें से कुछ लेने का ट्राई करता हूँ। चल जल्दी भाग ड्राइवर मेरे प्यारे बेटे, मतलब मेरे प्यारे भाई, लेट मत कर बिल्कुल भी, क्योंकि ये टकला एक्सपीरियंस है, फुल एक्सपीरियंस वाला बंदा। इतनी ऊंची बिल्डिंग से कूद के सीधा बाइक पर जंप या फिर टेलीपोर्ट, जो भी है पक्का नहीं बोलूंगा भाई। जल्दी निकल ड्राइवर मेरे भाई, ले ले इसको। चल ओके भाई, फॉलो करते हैं टकले को, तक ज्यादा एडवांस है। ओके भाई मेरे को मिल गया, लगता है मेरे को देख रहा था क्या खड़ा होकर के, ड्राइवर आ रहा है नहीं आ रहा, इसको फॉलो करने आ गया। आ रहा हूँ एडम ब्रो, कहाँ तक जाओगे यार, इसको फॉलो करना तो बड़ी मुसीबत वाला काम हो रहा है। ये बंदा तो सही में कहाँ तक जाएगा गंजे, अगर अभी तक गोली मारने का काम होता ना, इसको दोनों सीधा कर देता मैं। गाड़ी रोक, मतलब बाइक रोक एडम, बात सुन ले मेरी। देख, मैंने तेरी बहन को नहीं मारा, वो एक गलत फहमी है, और टेरी नमूना जिसने सारा काम किया था तूने उसको दिया एंड कर भी दिया। फायदा क्या है मुझसे भाग करके, इतनी दूर भागे जा रहा है, हद में जा करके रखी हुई है। देख बात सुन ले मेरी, अगर मेरे गुस्सा आ गया मैं सच में भूल जाऊंगा कि तूने, मतलब कि मान तो अभी तक कुछ नहीं, बदला लेने के लिए कर रहा है, बहन को प्यार करता था, बट फिलहाल नहीं सुधरेगा तो बहुत बुरा होगा। रुक जा, माने करी, अब कहाँ जा रहा है, भाग कर अब कहाँ जा रहा है नमूने टकले। आखिर क्यों नहीं मान रहा भाई तू, सच्ची में यार क्या ही बोले। खैर कोई दिक्कत नहीं, भाग, तेरे को मैं देखूंगा कितने दूर तक तू भागेगा। फिलहाल ड्राइवर थोड़ा सा और आगे भाग ले यार, अभी तक इतने दूर तक घुसा काम करता नहीं है। मैं इसको ये से घुसा मारना चाह रहा हूँ बट मार नहीं पाऊंगा। एडम भाई प्लीज, ये करना क्या चाह रहा है भाई, ये पोर्ट में जाना चाह रहा है क्या? देख मेरी बात सुन यार, ये टकलू भाई कितना जिद्दी है, और फिलहाल दम भी है इसमें, मानेगा नहीं का तू। देख मेरी बात सुन ले, मैं भी बोर्ड पर आ सकता हूँ, तू ही क्या अकेले सकता है। अबे ड्राइवर चढ़ जा ब्रो। अरे यार ड्राइवर की गलतियां, मतलब क्या ही बोलूं, इसका पैर फिसल गया बोर्ड पर चढ़ने के बाद भी, आसपास में कोई बोर्ड भी नहीं है, भाग गया टकला। वैसे देखा जाए चलो जाने दो, कोई बात नहीं जाने दो, इसको यहाँ पर पकड़ने कोई फायदा ही नहीं है, ये पकड़ा नहीं जा रहा। और दूसरी बात क्या है, इसको पहले समझना पड़ेगा मुझे, इसके अंदर कुछ है, ये बंदा टेलीपोर्ट कर सकता है। अपने एक चीज़ देखी, ये मेज बैंक बिल्डिंग पर से जंप मारा और सीधा वहाँ से जंप मार रहेगा, शायद से बाइक पे कूदा या फिर बाइक के पास जाकर टेलीपोर्ट किया, जो कुछ भी किया मुझे समझ में नहीं आया, बट ये बंदा बड़ा भयंकर है यार। जो भी है कुछ तो खतरनाक काम इस भाई साहब ने किया है, जो भी है पता लग जाएगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे जाने दे रहा हूँ। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी बोट लेकर के इसको फॉलो कर सकता हूँ। देखो उधर भी बोट खड़ी है, यहाँ पे भी खड़ी है, बट मैं इसको फॉलो करना ही नहीं चाहता, क्योंकि भाई ये बंदे में दम है, मैं देख चुका हूँ इसमें दम है, मैं इसको सच में पकड़ नहीं पाऊंगा ऐसे तो, और वेपन्स के बिना तो पकड़ ही नहीं पाऊंगा, इसलिए कुछ और इसके लिए सोचना पड़ेगा मेरे को। चले खैर भाई, यहाँ से फिलहाल निकलते हैं, बंदे में दम तो देख लिया मैंने, इसलिए एडम मेरे को लगता है काफी मुसीबतें देगा। तो बस मेरे भाई, फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।